सबक सफा नंबर 15 इशारा सी। कुरान का हिस्सा है, इसमें हमने पढ़ना है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 102 मुकम्मल करेंगे और 103 पढ़ेंगे। QC2 से हमने पहला पारा पढ़ना शुरू किया था और पहले पारे में इब्तदाई 5 सफहात हमने पढ़े और उन 5 सफहात पर आने वाली आयात के मरकजी मौजू और मजामीन थे हिदायत और आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र था। दाएं हाथ की उंगलियां हमने इस्तेमाल की थी पॉइंटर्स याद करने के लिए। कोर्स 3 में हमने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया, आयात का मजमून बनी इसराइल से मुतालिक था। अब हम कोर्स 4 में हैं, हम फिर से दाएं हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं और मजमून बनी इसराइल की वाकयात ही चल रहे हैं। तो ये 15वां सफ़ा है, इस 15वें सफ़े के इशारात हैं, शयातीन की पैरवी, जोड़ों में जुदाई, जानते बूझते आहिना मत कहो। शयातीन की पैरवी, जोड़ों में जुदाई, जानते बूझते राहिना मत कहो। मुख्तसर इशारे, शयातीन जुदाई जानते बूझते राहिना, शयातीन जुदाई जानते बूझते राहिना, शयातीन जुदाई जानते बूझते राहिना। पहले दो इशारे हम पढ़ चुके हैं, आज हम दूसरे आखिरी दो इशारे, उनमें से पहला इशारा जानते बूझते। ये वाकया चल रहा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल दो फरिश्तों के जरिए आजमाए गए और वो दोनों फरिश्ते अल्लाह की जानिब से एक इम्तिहान के तौर पर जादू सिखाते थे और सिखाने से पहले वो कह देते थे कि हम तो एक आजमाइश और फितना है तो तुम इसमें ना पढ़ो, लेकिन उसके बावजूद बनी इसराइल ने जादू सीखा और उसे मियां बीवी के दरमियान तोड़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो पिछले हफ्ते हमने जो आयत का हिस्सा पढ़ा था उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि वो ये जादू करके भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे मगर अल्लाह के हुक्म से ही। और साथ ही साथ ये बात भी पढ़ी हमने कि वयतअल्लमूना मा यदुर्रुहुम वला यनफअहुम, ऐसी चीज सीख रहे थे जो उनके लिए नुकसानदेह थी, फायदेमंद नहीं थी। और आज के जो हिस्सा है आयत की तकवील में और दूसरी आयत में वो ये है कि ये सारी बातें वो जानते थे, जानने के बावजूद उन्होंने इस चीज को इख्तियार किया। तो सबक क्या है हमारे लिए, उन्होंने दर्दनाक अजाब के बदले अपने इनाम को बेच दिया और उन्होंने जानबूझकर ये बुरा सौदा कर लिया, उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम कितना बुरा होगा, यानी वो इसको हल्का ले रहे थे लेकिन ये बहुत सख्त जो है वो गुनाह का काम था। और अगर उन्होंने अल्लाह की किताब छोड़ देने की बजाय उसे पढ़ा होता, यानी वो इस काम में पड़े क्यों थे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की किताब को छोड़ रखा था। तो अगर किताब को पढ़ लेते तो वो अच्छी तरह जान लेते कि ईमान और तकवा अल्लाह की तरफ से बड़े इनामात का सबब बनते हैं। तो ये दो असबाब हैं। तीन नए अल्फाज आएंगे हमारे पास, तिलावत से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द अलिमु लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم। और अलबत्ता तहकीक, उन्होंने जान लिया कि अलबत्ता जिसने भी उसे खरीदा है यानी उस जादू को, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है और बहुत ही बुरा है वो चीज जिसके बदले जिसके लिए उन्होंने अपने आप को बेच दिया, काश के वो जानते होते। ये बामुहावरा तर्जमा हुआ, लफ्ज़ बलफ्ज़ देखिए, वलाकद, तीन अल्फाज पर मुश्तमिल ये एक टुकड़ा है, फ्रेज है, वा ला और कद, वा और ला, अलबत्ता कद तहकीक कई दफा आ चुका है। अलिमु, उन्होंने जान लिया, ला मन, दो हैं ला और मन, लाम ताकीद के लिए, अलबत्ता और मन, जिसने इश्तराहु खरीदा उसने उसको, मालहू नहीं है उसके लिए, फिल आखिरति आखिरत में, मिन खलाकिन कोई हिस्सा, खलाक नकरा है और नकरा जब आता है तो उसका माना होता है कोई भी, लेकिन जब उसके साथ मिन आ जाए तो वो उसको मजीद नकरा कर देता है, तो किसी किस्म का कोई हिस्सा आखिरत में उनको नहीं मिलने वाला। खलाक कहते हैं हिस्से को। वला बिसा, ये भी तीन अल्फाज हैं, वा ला और बिसा, और अलबत्ता बुरा है, मा वो जो, शरौ बिही अनफुसहुम, शरौ बेच दिया उन्होंने, बिही उसके बदले, अनफुसहुम अपने आप को, शरा यशरी बेच देना,
और ये जो फेल है शरा यश्री या इश्तरा यश्त्री यश्तरी, ये दोनों मफहूम में इस्तेमाल होता है, खरीदने और बेचने के, ट्रेडिंग का एक्चुअली इसका तर्जमा किया जाता है, जिस चीज की उन्होंने तिजारत की ये बहुत ही बुरी है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट उर्दू के हिसाब से तर्जमा यही दुरुस्त बनता है कि जिसके लिए उन्होंने अपने आप को बेच दिया वो बहुत बुरा है। तो शरा यश्री हदा यहदी की तरह इसका टेबल बनेगा और इसका मसदर आता है शरा उल, उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है हमारे जो एग्रीमेंट्स वगैरह खरीदो फरोख्त के लिखे जाते हैं उसमें आते हैं बे व शरा, बे व शरा के मामला। तो शरा उन जो है वो बे बेचना और शरा खरीदना, तो वहां पर खरीदने के माना में लिखा जाता है। बहरहाल जैसे मैंने बताया कि ये दोनों मानों में इस्तेमाल होता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जैसे भी कॉन्टेक्स्ट को सूट करे। तो वो बहुत बुरा है जिसके बदले उन्होंने बेच दिया अपने आप को, लव कानू या लमून, काश के वो जानते होते। लव का तर्जमा कभी काश के साथ किया जाता है और कभी अगर के साथ किया जाता है, ये भी कॉन्टेक्स्ट को देखकर ही इसका तर्जमा जो है वो सेट किया जाएगा। तो यहाँ पर अब अगर वो जानते होते बात कोई तर्जमा समझ में नहीं आता, लव कानू या लमून का तर्जमा काश के वो जानते होते, यानी एक तरह से उनको जो है वो तंबीह करने की खातिर ये बताया जा रहा है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने कितना बुरा काम कर दिया, कितना बुरा सौदा तुम अपने लिए कर बैठे हो। वो ये जान चुके थे कि वो आखिरत से हाथ धो बैठे हैं अपने इस सौदे में, वो किसको बेच रहे थे, खुद अपने आप को, मगर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो कितना बुरा सौदा कर रहे हैं और इसके नतीजे में उनको कैसा दर्दनाक अजाब होगा। काश के उन्हें इस बात का अंदाजा होता। तो हम अपने आप पर इन आयात के हिस्से को अप्लाई करते हुए देखें कि आज हमारे सामने भी एक अल्लाह का हुक्म है अल्लाह की किताब की सूरत में, और दूसरा कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे आसपास फैली हुई हैं। अगर हम अल्लाह की किताब को छोड़कर उन चीज़ों में पढ़ेंगे तो ये बातें हमारे लिए भी दुरुस्त हो सकती हैं, कि अगर हम अल्लाह की किताब को छोड़ेंगे तो हमारे लिए भी नुकसान का बायस है। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपनी किताब और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आयत पढ़ लें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, वलक़द अलिमु लमन इश्तराहु मा लहु फिल आख़िरति मिन ख़लाक़। और अलबत्ता उन्होंने जान लिया कि अलबत्ता जिसने खरीदा उस जादू को नहीं है उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा। वला बिसा मा शरौ बिही अनफुसहुम, और अलबत्ता बुरा है वो जो बेच दिया उन्होंने उसके बदले अपने आप को। लौ कानू यालमून, काश के वो जानते होते। आयत नंबर 103, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم। और अगर वो ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो अलबत्ता अल्लाह के यहाँ ठिकाना पाते बेहतरीन, काश के वो जानते होते। फिर से उनके उस अमल बद को की कबाहत को और बुराई और संगीनी को बताने के लिए एक ही जुमले को दो बार रिपीट किया इन दो आयात में, काश के वो जानते होते, काश के वो जानते होते। तो इसको हम यूं देखें कि किसी आदमी ने कोई गलती की हो तो उसको अगर तो हल्की फुल्की पता नहीं है क्या हुआ, लेकिन अगर कुछ बहुत बड़ा जुर्म कर बैठे कोई तो बार बार समझाने वाले और उसको जो है वो सुनने वाले उस पर हसरत और अफसोस का इजहार करते हैं। तो ये उसी अंदाज से जो है वो बताया जा रहा है कि इतना शदीद किस्म का जुर्म कर बैठे हो तुम लोग। वलौ अन्नहुम, और अगर वो ईमान ले आते, आमनू व ईमान ले आते, अल्फाज के टुकड़े देखें, व लौ और अगर, अन्नहुम अन्ना बेशक या के, हम वो सब, आमनू ईमान ले आते, वत्तकौ
और तकवा इख्तियार करते यानी परहेजगार बन जाते। लमसूबतुन ला ताकीद के लिए अलबत्ता, मसूबा कहते हैं ठिकाने को, ठिकाना करार की जगह, मसूबतुन ठिकाना, मिन अंदिल्ला अल्लाह के पास से, खैरुन बेहतरीन, तो वो पा लेते अल्लाह की तरफ से बेहतरीन ठिकाना। लौ कानु यालमून, काश के वो जानते होते। तो उन्होंने क्या किया था, अल्लाह की किताब को छोड़ बैठे थे और अल्लाह की किताब को छोड़ने की वजह से वो फिर गुमराही का शिकार हुए। अगर अल्लाह की किताब को ना छोड़ते बल्कि उसको पढ़ते तो अच्छी तरह उन्हें मालूम हो जाता कि किताब चाहती है ईमान और तकवा वाली जिंदगी इख्तियार करना, और ईमान और तकवा अल्लाह की तरफ से बड़े इनामात का सबब बनता है। तो जमीन और आसमान के पैदा करने वाले रब की जानिब से क्या ही बड़ी याद दहानी है, कितना रहम करने वाला है अल्लाह, हमसे उसकी मोहब्बत कितनी ज्यादा है। तो हमसे ये चाह रहा है कि हम हक को समझें जो उसने अपने नबी के जरिए हम तक भेजा है। तो इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ बतलाई जा रही है, इस दुआ के अल्फाज को याद कीजिए अरबी में और अपनी दुआओं में शामिल कीजिए। ज़ैद इब्न अरकम रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक्वाहा वज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को उसका तकवा अता फरमा, आति नफ्सी तक्वाहा मेरे नफ्स को उसका तकवा यानी नफ्स का तकवा अता फरमा, वज़क्किहा और उसे पाक फरमा, अंत खैरु मन ज़क्काहा तू ही बेहतरीन पाक करने वाला है, अंत वलीयुहा तू उसका वली है, व मौलाहा और उसका मौला है। तो इस आयत को भी पढ़ लें एक मरतबा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, और अगर वो ईमान लाते और परहेजगार बन जाते तो अलबत्ता ठिकाना पाते अल्लाह के पास बेहतर। लौ कानू यालमून, काश के वो जानते होते। अल्हम्दुलिल्लाह आयात मुकम्मल हो गई हमारी इस सबब की, और असबाक एक मरतबा फिर देखें, उन्होंने दर्दनाक अजाब के बदले अपने इनाम को बेच दिया और जानबूझकर यह बुरा सौदा कर लिया, उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम कितना बुरा होगा। अगर उन्होंने अल्लाह की किताब छोड़ देने की बजाय उसे पढ़ा होता तो उन्हें मालूम हो जाता कि ईमान और तकवा अल्लाह की तरफ से बड़े इनामात का सबब बनते हैं। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें ऐसा इल्म अता फरमा जो हमारे ईमान को मजबूत करे और हम मुत्तकी बन जाएं, तकवा इख्तियार करने वाले बन जाएं। प्लान बनाया जाए कि कुछ वक्त निकाल कर कुरान की आयात में गौर व फिक्र करेंगे ताकि रोज़ाना हमारे इल्म में और ईमान में इजाफा होता रहे और हम तकवा इख्तियार करने वालों में शामिल हो जाएं। अस्मा और अफाल देखने, अनफुस बहुत दफा आ चुका है, नफ्स की जमा अनफुस, और हम जानते हैं कि नफ्स की एक दूसरी जमा भी आती है, वो कौन सी है, नफूस। और अफाल में आलिमु किसी वन का टेबल, आलिमा या आलमु हम पढ़ चुके हैं, समिया के पैटर्न से आता है, और कमजोर अफाल में से शराउ, ये हदा या हदी की तरह, इस पर हम बात कर भी चुके हैं, शरा यशरी इशरी शारिन मशरियन शराउन, शरा यशरी हदा यहदी की तरह, शरा यशरी इशरी शारिन मशरियन शराउन, काना तो काला और काना में अब दूसरी लाइन में नजर आता है, काना यकून कुन का इन डैश कौन, मजीद फी में इश्तरा, ये इहतदा की तरह है, इख्तलाफा का पैटर्न है, इश्तरा यश्तरी जैसे था इहतदा यहतदी, इश्तरा यश्तरी इश्तरी मुश्तरिन मुश्तरन इश्तिराउन, इश्तरा यश्तरी इश्तरी मुश्तरिन मुश्तरन इश्तिराउन। आमना का टेबल हम किसी थ्री में कंप्लीट करके आ चुके हैं, आमना यूमिनु आमिन मुमिन मुमन ईमान,
और इसी तरह इत्तफा, ये भी हम किसी थ्री में करके आ चुके हैं, इत्तफा, यत्तफी, इत्तफी, मुत्तकिन, मुत्तकन, इत्तेकाउन। इत्तका का माना वो खुद डरा या वह खुद बचा, और इससे वाव काफ और या के माध्य से जो तीन हर्फी फेल बनता है वो बनता है वका यकी, जो हमने किसी वन की दुआ में पढ़ा था, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वकीना आदाबन नार, और बचा हमें आग के अजाब से। तो पी जो था काफ जेर पी वहां फेल अमर इस्तेमाल हुआ था, और ये प्रैक्टिस हम किसी टू में कर भी चुके हैं। वकीना सिस्टर जुनी नदीम जी। सर ये आपने इधर पीछे आयत में बताया था ना कि शराउ का मतलब है कि बेच देना भी खरीदना भी, लेकिन ऊपर ये आयत में इत्तराहू का लिखा हुआ खरीदना और इधर शराउ बेचना, ये और आगे ये जो गर्दान है उसमें भी इसी तरह बेचना खरीदना लिखा हुआ है, इनके मतलब तो इनके अलहदा अलहदा है यहाँ पर। अच्छा, मैंने साथ ये बात की थी कि इश्तरा हो या शरा हो, ये दोनों का एक्चुअल मीनिंग होता है ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग में क्या होता है, दोनों काम हो रहे होते हैं, खरीदना और बेचना दोनों चल रहे होते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के एतबार से कभी इसका तर्जुमा बेचने वाला सही हो रहा होता है, कभी खरीदने वाला सही होता है। अच्छा, ठीक है, तो तर्जुमा इसका दोनों तरह से ही किया जा सकता है, खरीदना और बेचना। ट्रेडिंग, खरीदो फरोख्त करना, इश्तरा और शरा दोनों का माना खरीदो फरोख्त करना। इसके साथ हमारा ये पहला कॉन्टेक्स्ट देखकर जो है वो हम उर्दू में तर्जमा कभी बेचने वाले को ले लेंगे और कभी खरीदने वाले को कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये पहला हिस्सा कुरान वाला मुकम्मल हो गया है। इसमें कोई बात किसी की समझ में ना आई हो या कोई सवाल करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू। अगर कोई भी सवाल है किसी के जहन में इन आयात से मुताल्लिक, अदरवाइज हम ग्रामर स्टार्ट करने। ग्रामर आज बड़ी इंटरेस्टिंग, हम एक नई चीज शुरू करने वाले हैं। जी आइए शुरू करते हैं ग्रामर। ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे जुमला इस्मिया मुजक्कर में। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हम लफ्जों को पढ़ रहे थे कि लफ्ज कैसे बनते हैं। किसी वन से शुरू किया हमने, टेबल्स बनाए, फाला या फालू, इफाल, फाइल, मफूल, तो सारा पढ़ा। फिर किसी टू में कमजोर अफाल के टेबल आ गए, फिर मजीद फी के टेबल्स आ गए, फिर वो जो हमने पढ़ रखा था उसका मुजक्कर से मुअन्नस बनाया, डुअल बनाया, इस्म तफदील, सिफत मुबालगा, जमा मुकसर, ये सारा हमने अल्फाज की बहस की कि लफ्ज कैसे बन रहे हैं और लफ्जों का क्या माना है। आज से हम शुरू कर रहे हैं कि उन लफ्जों को जब जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे तो जुमला बनाना वो कैसे बनता है, जुमला लफ्जों को जोड़कर कैसे बनाया जाता है। और ये हमारा आप कह सकते हैं कि यही टॉपिक फिर आगे हमारा किसी फाइव में भी चलेगा। ये हमारा कह सकते हैं कि ये आखिरी हमारा जो है वो माइलस्टोन, आखिरी हदफ है कि हम जुमले बनाना सीख लें और जुमलों को समझना सीख लें कि कौन सा जुमला कैसे आ रहा है। तो उन जुमलों में से सबसे आसान और पहला जो हम ले रहे हैं वो है जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया मुजक्कर और मुअन्नस के अलग अलग कुछ रूल्स होंगे, हम देखते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फेल मुदारे में तब्दीलियां, हमने पढ़ा था फेल मुदारे की असली हालत और डिफॉल्ट हालत यह है कि वो अफा की हालत में हो, यफालू, यफालूना, तफालू, अफालू, तफालूना, नफालू और हिया तफालू। छुरी वाला अमल होगा, छुरी वाले अल्फाज हमने पढ़े, लम, लम्मा, इन, मन, मा, ली, पल और वल। जब इनका तर्जुमा चाहिए किया जा रहा हो तो ये छुरी वाला अमल होगा, और ऐसी सूरत में ये फेल मुदारे जज़्म की हालत में चला जाता है, मजज़ूम हो जाता है। तो ये हो जाएगा लम यफ़अल, लम यफ़अलू, लम तफ़अल, लम अफ़अल, लम तफ़अलू, लम नफ़अल और हिया लम तफ़अल। हथौड़ी वाले अल्फाज हमने पढ़े, अन, लन, ली, अल्लाह और हत्ता के बारे में भी हमने बात की थी। हत्ता भी ऐसा लफ्ज है कि वो अगर फेल मुदारे से पहले है तो उसके बाद भी फेल मुदारे जबर के साथ आ जाता है, यानी हथौड़े वाला अमल करता है हत्ता भी। तो इसके अंदर हमने पढ़ा अन यफ़अला, अन यफ़अलू, अंतफ़अला, अन अफ़अला, अंतफ़अलू, अन नफ़अला और हिया अंतफ़अला। और एक हमने पढ़ा
کہ شروع میں فعل مضارع کے شروع میں لام لگا دیں اور آخر میں نون شد والا لگا لیں, نون مشدد, تو اس میں ٹرپل تاکید آ جاتی ہے, ایک لام کی تاکید اور دو تاکیدیں نون شد والے میں, تو ضرور بس ضرور کا ترجمہ آ جاتا ہے لَيَفْعَلَنَّ, اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پیش ہمیں صرف دو جگہوں پر نظر آ رہی ہے لَيَفْعَلُنَّ اور لَتَفْعَلُنَّ میں, باقی سب جگہ زبر ہے لَيَفْعَلَنَّ لَتَفْعَلَنَّ لَأَفْعَلَنَّ لَنَفْعَلَنَّ, تو پیش سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر مخاطب کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اب تک ہم پڑھ چکے ہیں, اس کے ساتھ ہمارا یہ سارا کمپلیٹ ہو چکا. تو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں جملہ اسمیہ مذکر کا. اس سے پہلے ایک بات سمجھے کہ عربی گرامر کو دو اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, ایک کو کہتے ہیں علم الصرف اور دوسرے کو کہتے ہیں علم النحو. صرف اور نحو, صرف 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 یصرف کہتے ہیں پھرنا, صرف کہتے ہیں پھرنے کو یا پھیرنے کو گھمانے کو, یعنی ہمارے پاس مادے کے حروف موجود تھے, ہم نے ان مادے کے حروف کو مختلف صورتوں کے اندر اور مختلف سانچوں کے اندر گھما کر مختلف الفاظ بنائے. مثلا ہمارے پاس ایک مادہ تھا فا, تا اور ہا, اس کو ہم نے ایک ڈائی میں فٹ کیا تو ہمارے پاس لفظ بنا فتح, یہ بن گیا ہمارے پاس, یہ ماضی کی ڈائی تھی. پھر ایک دوسری ڈائی ہم نے لی مضارع کی یفتح, اس میں ہم نے رکھا فا, تا اور ہا کو, تو یہ بن گیا یفتح, یہ دوسری ڈائی تھی. پھر تیسری ڈائی امر والی تھی, افعال کے پیٹرن پر ہم نے فا, تا, ہا کو رکھا تو افتح بن گیا. تو وہ کیا رہا تھا وہاں پہ کہ مادے کے حروف کو مختلف کمبینیشنز میں رکھ کر نئے نئے بامانہ الفاظ بنائے جا رہے تھے. تو ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مادے کے حروف کو مختلف صورتوں میں ڈھال کر با معنی الفاظ بنانا علم الصرف ہے. یہ بات سمجھ میں, مادے کے حروف کو مختلف شکلوں میں ڈھال کر با معنی الفاظ بنانا, اس کو کہتے ہیں علم الصرف. اور وہ جو الفاظ ہم نے بنا لیے ہیں ان الفاظ کو دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑ کر, کمبائن کر کے اور اس کے اندر رولز اپلائی کر کے ایک میننگ فل جملہ بنا لینا, سینٹینسز بنا لینا, اس کو کہتے ہیں علم النحو. تو ایک فعل کے اصلی حروف ہیں فا, عین اور لام, اس سے ہم نے مختلف شکلیں مختلف الفاظ بنائے. مثلاً فاعل ایک ڈائی تھی, فعلن دوسری ڈائی, فعلتم, یفعلون, افعال, مفعول, یہ سب ہمارے پاس ڈائیاں تھیں, ہم نے فا, عین, لام کو ان مختلف ڈائیز کے اندر جو ہے وہ پھیرا, گھمایا اور ہمارے پاس بمانہ الفاظ بنتے گئے. فاعل کا معنی کام کرنے والا, فعلن کام کرنا, فعلتم تم سب نے کیا, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, افعال کام کروانا, مفعولن جس پر کام کا اثر پڑے. تو ہر ایک صورت کے اندر فا, عین, لام موجود ہے اور اس فا, عین, لام کو مختلف شکلوں میں رکھ رہے ہیں ہم, تو ہر شکل کا معنی ہمیں الگ الگ مل رہا ہے جو کہ ہمارے لیے ہیلپ فل بھی ہے. تو اس کو کہتے ہیں علم الصرف, مادے کے حروف کو مختلف صورتوں میں ڈال کر الفاظ بنانا. اب یہ جو الفاظ بن گئے تھے, مثلا یہ ہمارے پاس الفاظ کا ایک مختصر سا ذخیرہ یہاں لکھا ہے, البیت کبیرن بشرن بیتو بیتن اللہ فی خلق البیت الارض, یہ مختلف الفاظ بنے ہوئے ہیں اور سب کا کوئی نہ کوئی معنی ہے. اب ان الفاظ کو جوڑ کر جملے بنا لینا, مثلا البیتو ایک لفظ ہمارے پاس تھا, کبیر دوسرا لفظ تھا, دو لفظوں کو ہم نے جوڑا البیتو کبیرن, تو اس کا ترجمہ ہوا البیتو کبیرن کا معنی گھر بڑا ہے, البیتو کبیرن گھر بڑا ہے. تو یہ اب ہمیں اس میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ البیتو میں پہلے والے لفظ کے شروع میں ال لگایا ہے اور دوسرے لفظ کے شروع میں ال نہیں لگایا, پہلے والے کو آخر میں پیش دی ہے, دوسرے والے کو آخر میں ڈبل پیش دے دی ہے. یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے سمجھ میں آ رہی ہیں, اس کے لیے ہم ہیلپ لیں گے علم النحو سے. یہ علم النحو ہمیں بتائے گا
कि लफ्जों को जोड़कर जुमले कैसे बनाएंगे, ये रूल्स हम सीखेंगे कि इन लफ्जों को कैसे जोड़ा जाएगा, किस तरतीब से रखा जाएगा, तरतीब बदलने से मानों के अंदर कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कैसी तब्दीली होगी, ये सारी बातें हम नहव में सीखते हैं। और एक और काम करते हैं हम इल्म नहव में, हम छोटे छोटे जोड़ियां बना लेते हैं फ्रेजेस, जो मीनिंग तो दे रहे होते हैं लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं होती। अलबैतु कबीरुन में एक कंप्लीट सेंस मिल रही है हमें, अलबैतु कबीरुन घर बड़ा है, एक पूरे बात समझ में आ रही है कि किसी भी घर के बारे में बात हो रही है कि एक खास घर है जो बड़ा है। लेकिन उससे पहले आ जाए अगर हम जोड़ियां लें तो फिल अर्दी जमीन में, अब दो अल्फाज को यहां भी जोड़ा गया है फिल अर्दी में जमीन में, बैतुन कबीरुन बड़ा घर, जालिकल बैतु वो घर, बैतुल्लाह अल्लाह का घर। तो ये सेंसेस तो मिल रही है, यहां पर भी मफहूम तो समझ में आ रहा है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं है, पूरी बात नहीं हो रही। फिल अर्दी जमीन में, अब सवाल कोई करने वाला कहेगा भी क्या हुआ है जमीन में, आधी अधूरी सी बात है। तो इनको चार ये हमारे सामने लिखी हुई है, इनको कहते हैं जोड़ियां। फिलहाल अभी तक के लिए हम इसको रखेंगे कि ये जोड़ियां हैं। जब हम किसी फाइव में जाएंगे और डिटेल स्टडी करेंगे इनकी तो वहां पर हम इनके साथ साथ नाम भी देखेंगे कि इन जोड़ियों के नाम क्या होते हैं। तो बाज़ुकात तो ये होता है कि पहले स्टेप में ही दो तीन अल्फाज को मिलाकर एक पूरा कंप्लीट सेंस वाला जुमला बना लिया जाता है, लेकिन बाज़ुकात एक स्टेप पहले किया जाता है कि कुछ जोड़ियां बना ली जाती हैं, फिर उन जोड़ियों के साथ कुछ मजीद अल्फाज को ऐड किया जाता है और उससे फिर हमें पूरा मफहूम समझ में आता है। जैसे देखिए फी यौमैनी एक जोड़ी है जो ब्लू कलर में लिखी हुई है, उसके साथ हमने कुछ अल्फाज और ऐड किए, खलकल्लाहुल अर्दा अल्लाह ने जमीन को बनाया, फी यौमैनी दो दिनों में, अब ये एक कंप्लीट सेंस वाला जुमला हमें मिल गया कि अल्लाह ने जमीन को दो दिनों में बनाया है। काना हाजा बैतन कबीरन, अब बैतन कबीरन का अकेले लफ्ज का माना है बड़ा घर, लेकिन काना हाजा इसके साथ मजीद ऐड किया तो वो एक कंप्लीट सेंस वाला जुमला बन गया। तो इसको कहते हैं इल्मुन नाव। तो सादा अल्फाज में अगर हम वन लाइन के जो है वो एक इसकी तारीफ लें और डेफिनेशन लें तो इल्म सर्फ ये है कि मादे से, मादे के हरूफ से मुख्तलिफ अल्फाज बनाना, ये इल्म सर्फ है, और अल्फाज को जोड़कर जुमले और जोड़ियां बनाना ये इल्म नहव है। ठीक है जी, तो पहला हमारा टॉपिक है जुमला इस्मिया। इसके नाम से जाहिर है इस्मिया कह रहे हैं तो मुराद ये हुआ कि इस्म से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया जुमला इस्मिया। इसके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे लिखा हुआ अलबैतु कबीरुन वो खास मकान बड़ा है, दो पार्ट्स हैं। इन दो पार्ट्स को हम कैसे देखेंगे, पहला जुमले में अलबैतु की अगर हम बात करें तो ये जुमला स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, अलबैतु स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इब्तिदा यहाँ से हो रही है, इसलिए इस पहले वाले हिस्से को जुमला इस्मिया के पहले इस्म को नाम दिया जाता है मुबतदा। इसको कहते हैं मुबतदा, मुबतदा माना इब्तदा यब्तदीउ, इख्तलाफा यख्तलिफु के पैटर्न पर इब्तदा यब्तदीउ, इब्तदी मुबतदीउन और मुबतदाउन, मुबतदाउन मुबतदीउन इब्तदा करने वाला और मुबतदाउन जिसकी इब्तदा की जाए या जिससे इब्तदा की जाए। तो अलबैतु ये पहला लफ्ज है और वो ये पहला वो लफ्ज है जिससे जुमले की इब्तदा की जा रही है, इसलिए इसको नाम दिया गया मुबतदा। और फिर दूसरी बात कि जिस घर के बारे में, मिसाल के तौर पे इसी जुमले को मिसाल लें तो जिस घर की बात की जा रही है तो लाजमी बात है कि वो एक नोन घर होगा, ऐसे रैंडम नहीं होगा कि किसी भी घर की बात कर लें बल्कि किसी मखसूस घर की बात हो रही है। तो इसलिए इसके अंदर ओरिजिनल रूल ये है कि ये मारिफा होना चाहिए यानी खास होना चाहिए, अल वाला होना चाहिए या अल के बगैर भी अगर मारिफा बन सकता है, मसलन किसी खास शख्स का नाम ले लिया जाए तो वो भी मुब्तदा बन सकता है। तो पहली बात इसका नाम है मुब्तदा होना, इसका नाम पहले जुमला इस्मिया के पहले हिस्से का नाम है मुब्तदा, और इसका पहला रूल ये है कि ये खास होना चाहिए यानी मारिफा होना चाहिए आम तौर पर। ये बात ज़हन में रखें कि हम जितने भी रूल्स पढ़ते हैं उसमें ये कंडीशन जरूर ज़हन में रखें कि ये उमूमी बात हो रही है, जनरल रूल के तौर पर बात हो रही है, एक्सेप्शंस क्योंकि आ सकती हैं।
और जब एक्सेप्शंस आएंगी तो वहां पर फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि ये एक्सेप्शन यहाँ पर क्यों है। तो पहला हिस्सा इसका नाम रखते हैं मुब्तदा, और इसकी पहली बात यह है कि ये खास होना चाहिए, इसलिए आमतौर पर यह मारिफा होता है या यानी अल वाला होता है। और दूसरा लफ्ज है कबीर, ये कबीर उस घर के बारे में कोई एक खबर दे रहा है, न्यूज दे रहा है, बता रहा है कि वो बड़ा है छोटा है। कबीर उनकी बजाय अगर कहें सगीर उन अलबैतु सगीर उन, तो माना होगा घर छोटा है। अलबैतु जमील उन, घर खूबसूरत है। तो ये कबीर जमील और जो है वो सगीर या करीब उन, करीब है, बईद उन, दूर है। तो ये सारे जो दूसरा लफ्ज आ रहा है ये सारा उस पहले के बारे में कोई ना कोई न्यूज दे रहा है, खबर दे रहा है। तो इसलिए इसका नाम रखा जाता है खबर। तो जुमला इस्मिया के दो हिस्से हुए, पहला हिस्सा जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में जिसको बेसिकली मौजू बनाया जा रहा है, उसका नाम दिया जाता है मुब्तदा। और मुब्तदा कहने की वजह क्या है कि जुमले की इब्तदा उसी लफ्ज से हो रही है, इसलिए उसको मुब्तदा कहते हैं। और दूसरा लफ्ज इस पहले वाले लफ्ज के बारे में कोई ना कोई हमें खबर दे रहा है, इसलिए उसका नाम रखा जाता है खबर। और इसमें आम रूल यही है कि इसमें अल ना हो, ये मारिफा ना हो बल्कि ये नकिरा हो। तो दो बातें जो है वो हमें समझ में आई कि मुब्तदा के बारे में रूल ये है कि वो मारिफा हो, और खबर के बारे में जनरल रूल ये है कि वो मारिफा ना हो यानी नकिरा हो। मुब्तदा आमतौर पर मारिफा होगा और खबर आमतौर पर नकिरा होगी। और तीसरी बात जो इन दोनों के बारे में है कि ये दोनों पेश के साथ आ रहे होंगे, इसको कहते हैं हालत रफ, रफा की हालत में दोनों पर देख रहे हैं आप पेश आ रही है। अल बैतु ये भी पेश के साथ है, और कबीरुन इसमें भी पेश है तनवीन के साथ। तो इस हालत को कहते हैं रफा। तो अरबी अस्मा की असली हालत जो है वो पेश या दो पेश है, गोया वो हमेशा काम के लिए रेडी और तैयार खड़े हैं। तो आदमी बिल्कुल अटेंशन है तो गोया वो यूं तैयार खड़ा है, हर वक्त जो है वो स्टैंड बाय पोजिशन में। मिसाल के तौर पर हम कोई भी लफ्ज लेते हैं तो अल्लाहु खालिदुन, अलबैतु किताबुन, वलदुन, कोई भी नाम लेते हैं जब, तो उसको पेश के साथ पढ़ते हैं। तो ये जो पेश के साथ लिखी जाती है इस हालत को कहते हैं हालत रफा। हालत रफा, रफा बुलंदी को कहते हैं, ऊंचाई को कहते हैं। तो खड़ी हालत है, ऊंची हालत है, रफा की हालत इसको कहते हैं। तो इस हालत को हालत रफा कहते हैं। अब इसको हम नए इशारों के साथ जो है वो सीखेंगे। तो अभी तक हम इशारे टेबल्स के करते थे, ये इधर फाला फालू फालता फालतू वगैरह, अब हम ये वाले इशारे जो है वो छोड़ रहे हैं, उसके बजाय हम नए इशारे जो है वो आज से शुरू कर रहे हैं। उसमें पहला इशारा जो हालत रफा का इशारा है, किसी भी इसम को हालत रफा में बताना है तो उसके लिए इशारा हम करेंगे। अगर सिंगुलर है तो एक उंगली ऊपर आसमान की तरफ उठाएंगे, और अगर प्लूरल है तो चार उंगलियां आसमान की तरफ जा रही, ऊपर की तरफ होंगी हमारी, सीधी खड़ी करेंगे। तो यहाँ पर अल्लाहु खालिदुन अलबैतु, ये सारे सिंगुलर हैं। अगर ये प्लूरल हो तो मुस्लिमूना मोमिनूना वगैरह, ये फिर चार उंगलियों का इशारा होगा। ये जुमला इस्मिया है, इसके जो दो हिस्से थे, पहला हिस्सा मुब्तदा और दूसरा खबर, पहला इसम और दूसरी खबर, इन दोनों की हालत क्या होगी। तो जैसे हमने देखा पीछे जुमले में कि अल बैतु पेश के साथ था, और कबीरुन वो भी पेश की तनवीन के साथ था, यानी दोनों हालत रफा में थे। तो जुमला इस्मिया के अंदर ये एक तीसरी बात हमें समझ में आई कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा भी और खबर भी दोनों रफा की हालत में होंगे। तो इस सूरत में जब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, इशारा करेंगे, तो ये एक जुमला इस्मिया बन रहा है अल्लाहु गफूरुन। तो ये अरबी जुबान दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो हम दो लफ्जों पर दो इशारे करेंगे, अल्लाहु मुब्तदा का इशारा, और थोड़ा आगे दूसरा लफ्ज लिखा हुआ तो उसकी तरफ देखते हुए गफूरुन खबर का इशारा। तो हम कहेंगे अल्लाहु गफूरुन, इन इशारों के साथ दोहराइए अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु गफूरुन। तर्जुमा क्या होगा अल्लाहु गफूरुन का? अल्लाह बख्शने वाला है, गफूरुन बख्शने वाला है। अलबैतु कबीरुन, अलबैतु कबीरुन, घर बड़ा है, वो खास घर बड़ा है। अलमुस्लिमु सादिकुन, अलमुस्लिमु सादिकुन,
वो खास मुसलमान सच्चा है, वो खास मुसलमान व खास मुस्लिम सच्चा है। और अगर ये अल मुस्लिम सादिकुन की बजाय प्लूरल हो जाएगा तो अल मुस्लिम में एक उंगली उठा रहे थे तो अल मुस्लिमूना में चार आ जाएंगे, अल मुस्लिमूना सादिकूना, अल मुस्लिमूना सादिकूना, अल मुस्लिमूना सादिकूना, वो खास मुस्लिम सच्चे हैं। इन जुमलों को दो से तीन बार मेरे साथ अरबी में सिर्फ अल्लाहु गफूरन, अल्लाहु गफूरन, अल्लाहु गफूरन, अलबैतु कबीरन, अलबैतु कबीरन, अलबैतु कबीरन, अलमुस्लिमु सादिकुन, अलमुस्लिमु सादिकुन, अलमुस्लिमु सादिकुन, और प्लूरल में अलमुस्लिमूना सादिकूना, अलमुस्लिमूना सादिकूना, अलमुस्लिमूना सादिकूना। अब मजीद जुमले देखें, अलमुमिनु सालिहुन, आप तर्जमा कीजिए इसका, अलमुमिनु सालिहुन क्या तर्जमा होगा? ईमान वाले मोमिन नेक है, नेक है, मोमिन नेक है, प्लूरल में अलमुमिनूना सालिहुना, वो खास मोमिनून नेक है, ईमान वाले, खास मोमिनीन ईमान वाले हैं। मुनाफिकु फासिकुन, फासिक है, अल मुनाफिकूना फासिकूना, मुनाफिकीन फासिक है। जुमला इस्मिया जो है उसके अंदर हमें कुछ बातें समझ में आ रही हैं, इसको गौर करें कि अलमुमिनु जब सिंगुलर आया तो खबर में भी सिंगुलर ही आ रहा है, अलमुमिनु सालिहुन, उसको नोट किया आपने, अलमुमिनु सिंगुलर था तो खबर भी सिंगुलर आ रही है सालिहुन, लेकिन अलमुमिनुना जब प्लूरल आया तो वहां पर फिर खबर भी प्लूरल हो गई है। तो एक बात ये भी समझे, एक तो मुब्तदा मुजक्कर है तो खबर भी मुजक्कर होगी, मुब्तदा सिंगुलर है तो खबर भी सिंगुलर, आपस में ये कोऑर्डिनेशन भी पाई जाएगी, मुजक्कर है तो मुजक्कर, मुब्तदा मुजक्कर तो खबर भी मुजक्कर, मुब्तदा मुअन्नस तो खबर भी मुअन्नस, ये हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, मुब्तदा सिंगुलर तो खबर भी सिंगुलर, मुब्तदा प्लूरल तो खबर भी प्लूरल, ये बात हो गई। फिर इसमें जुमला इस्मिया में जो पहला हिस्सा है उसको नाम हमने दिया, क्या नाम दिया? मुब्तदा, मुब्तदा, और दूसरे हिस्से को नाम क्या दिया? खबर, खबर, पहला हिस्सा मुब्तदा, दूसरा हिस्सा खबर, खबर, आमतौर पर कैसा होता है खबर, मुब्तदा आमतौर पर क्या होगा सर? ये इब्तदा से होगा, मुब्तदा इब्तदा से, इब्तदा से मारूफ मुब्तदा है। अच्छा, पहला हिस्सा जो है मुब्तदा, उसकी आम हालत क्या होगी, वो किस तरह से होगा? मारिफा या नकरा? मारिफा। और खबर की आमतौर पर क्या सूरत में नजर आएगी? नकरा। मुब्तदा आमतौर पर मारिफा होगा, खबर आमतौर पर नकरा होगा। और तीसरी बात, ये दोनों रफा की हालत, रफा की हालत में, रफा की हालत में होगी और बहाल होगा, और खबर भी रफा की हालत में होगी। अब ये सिंगुलर लिखे हुए आ रहे हैं, आपने इसकी प्लूरल बनानी है, अल मुस्लिमु सादिकुन है, तो इसकी जमा क्या बनाएंगे? अल मुस्लिमूना सादिकुन, अल मुस्लिमूना सादिकुन, अल मुमिनु सालिहुन, प्लूरल, अल मुमिनूना सालिहुन, अल मुमिनूना सालिहुन, المنافقو فاسقون، المنافقون فاسقون، المنافقون فاسقون। अच्छा, मखसूस नाम है, अगर ये भी एक बात समझ लें, मखसूस नाम जो है वो ऑलरेडी मारिफा होते हैं, मखसूस नाम जैसे मोहम्मद, खालिद, इब्राहिम, मूसा, ईसा, ये ऑलरेडी मारिफा है, तो इनके साथ अल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम खुद बताता है कि हम किसी मखसूस शख्सियत की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुहम्मदुन रसूलुन, तो मुहम्मदुन मारिफा है, क्यों? इसलिए कि ये एक खास पर्सनैलिटी का नाम है, ये ऐसा नहीं है कि मोहम्मद हर किसी को मोहम्मद कहा जाए, बल्कि
तो ये खास शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, तो इसलिए अब यहाँ पर अल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो इससे ये पता चला कि अल वाला होना जरूरी नहीं है मुब्तदा हमेशा, बल्कि मारिफा होना जरूरी है, मुब्तदा के लिए मारिफा होना जरूरी है। और मारिफा की दो आम सूरतें ये हैं, एक कि उसके शुरू में अल लगा हुआ हो, या दूसरी सूरत के वो किसी का मखसूस नाम हो, किसी मखसूस शख्स का नाम हो, तो वो भी मारिफा कहलाएगा। तो मुहम्मदुन रसूलुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। हूदुन, हूद भी एक नबी का नाम है, तो नबी हूद अलैहिस्सलाम एक नबी है। ज़ैदुन सगीरुन, ज़ैद बच्चे का लड़के का नाम है जो छोटा है, तो ज़ैदुन सगीरुन, ज़ैद छोटा है। साद ये भी नाम है, साअदुन कबीर, साद बड़ा है। ठीक हो गया। तो बात से ये समझ में आई कि मुब्तदा का मारिफा होना जरूरी है, अल होना जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर होगी सबके जहन में कि मुब्तदा का मारिफा होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि हर हमेशा मुब्तदा के शुरू में अल लगा हुआ होगा। ठीक है सर। जी जी। तो इसके साथ हमारा ये पहला चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। अब अगर हम देखें उसको, जो आयात हमने पढ़ी है, हमारे पास मगरिब का टाइम होने में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो आयात को अगर हम देख लें और वहां पर हम थोड़ा सा ढूंढें कोई ऐसे अल्फाज जो हमें मिल सकें, तो मैं वो आयात वाला स्लाइड जो है वो उसको दोबारा से ओपन करता हूं और उसमें हम देखते हैं कहाँ पे, यहाँ देखते हैं, ये पूरा पेज आ रहा है ना, इस पूरे पेज में हम देखते हैं, हम सिर्फ जो है ना वो रफा की हालत में आने वाले अस्मा को देखेंगे कि कौन कौन से इसम रफा की हालत में आ रहे हैं। तो रफा की अलामत क्या है हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़ी है, वो है पेश, पेश, अश्शयातीनु, बिल्कुल दुरुस्त। उसके बाद सुलेमानु, सुलेमानु ये भी रफा की हालत में आ रहे हैं। फिर मलक, मारिफा ही कहलाती है। जितने भी हैं वो सारे के सारे मारिफा कहलाते हैं। तो नहनु फितनतुन, हम फितना हैं, तो ये जुमला इस्मिया भी बन रहा है हमारे पास। अच्छा जी। और يفرقون الى باذن الله ويتعلمون ولقد علموا لمن اشتراه ما له لمثوبه مثوبه इस तरह सर ये होगा, इसमें ये इस तरह ये क्या मुझे मारफा होगा? नहीं, इस तरह तो फेल है ना, फेल मारिफा या नकेरा नहीं होता। मारिफा और नकेरा होना इसम की खासियत है। ठीक है, मारिफा या नकेरा होना ये इस्म में पाया जाता है, फेल कभी भी मारिफा या नकेरा नहीं होता। और ये लम लमसूबतुन ये अज़ाबुन अज़ाबुन भी रफा की हालत में है, अज़ाबुन है, खैरुन ये भी खबर है, और अलीमुन अजाबुन, अजाबुन भी रफा में, अजाबुन भी रफा की हालत है, अलीमुन रफा की हालत है, यवद्दु भी रफा की हालत में, ये क्या है? नहीं, यवद्दु फेल है ना। अच्छा, यवद्दु फेल है, तो ये हाँ फेल के रफा की हालत है, ये यवद्दु मैं ये फेल की रफा की हालत है। यवद्दु यख्तसु ये भी फेल मुदारे की रफा की हालत है। जी ठीक हो गया। यशाउ ये भी फेल मुदारे के रफा की हालत है। अल अजीम, अल अजीम ये वो है मारिफा, मारिफा अल अजीम मारिफा है, अल फजल मारिफा है, अल्लाह मारिफा है, मुसद्दिक ये भी रफा की हालत है। ये 14 डी में है, वो पिछली आयत में ना, वो यहाँ सामने नहीं नजर आ रही। जी बिल्कुल, मुसद्दिकुन जो है वो भी रफा की हालत में है।
तो अब आप लोगों का जी फरीकुन फरीकुन जी रफा की हालत है बिल्कुल। तो अभी तक हमने पढ़ी है रफा कोई भी इसम अगर दो हालतों में होगा तो वो रफा की हालत में लिखा जाएगा, यानी उसका रोल अगर हर लफ्ज जुमले के अंदर जब आता है तो उसका कोई ना कोई रोल डिटरमिन किया जाता है कि ये यहाँ पर मुक्तदा बन रहा है या ये खबर बन रहा है। अभी तक हमने दो रोल्स पढ़े हैं, तो ये दोनों रोल्स में आने वाले इसम रफा की हालत में होंगे, लेकिन जब हम अगले लेसन में जाएंगे स्पेशली किसी फाइव में जाएंगे तो हम मजीद ऐसे रोल्स पढ़ेंगे जिन रोल्स में आने वाला इसम रफा की हालत में आता है। अभी हमने सिर्फ मुक्तदा और खबर देखे हैं, आगे दो तीन और भी आएंगे कि अगर उस रोल में भी कोई इसम आ रहा है तो वो भी रफा की हालत में होता है। जब हम वो पढ़ लेंगे तो फिर हम इन आयात के अंदर जब अप्लाई करेंगे तो हमें ज्यादा एक इंटरेस्टिंग लगेगा और सीखना जो है वो उसका फिर हमें लुत्फ आने लगेगा कि अब जो है वो चीजें हमारी पकड़ में आना शुरू हो गई है। ठीक है जी, तो इसके साथ हम कर लेते हैं ब्रेक कर लें मगरिब के लिए। थोड़ा सा रफा के बारे में दोबारा बताएंगे। रफा के बारे में आप क्या जानना चाह रही हैं, आपको कहां पर कंफ्यूजन हो रही है, आप मुझे अगर वो बता दें तो मैं फिर उसी पॉइंट पर बात करूं। कि मेरे ज़हन से निकल गया जब आपने बताया था तो समझ आ गया था कि रफा किसको कहते हैं। बुलंद होने को रफा। देखिए फेल फेल के अंदर हमने पढ़ा कि फेल जो है वो तीन हालतों में आता है। फेल के अंदर हमने पढ़ा रफा तीन हालतों में आ रहा होता है। फेल के अंदर हमने पढ़ा तीन तरह से फेल लिखा हुआ नजर आएगा हमें, मसलन एक हमें नजर आएगा यफालू, तो सर लिख रहे हैं नजर तो नहीं आ रहा, ऊपर स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा। स्क्रीन पे नहीं कुछ आ रहा जी? नहीं स्क्रीन तो खाली ब्लैंक है बिल्कुल। चलिए जुबानी बता दें सर। मैं दोबारा इसको स्क्रीन को फिर से शेयर करूं। जी अब आ रहा है जी। यफअलू लम यफअल लन दो तीन सूरतों में हमें नजर आएगा फेल मुदारे। यहाँ तब्दीलियां किधर नजर आ रही हैं आपको? यफअलू लम यफअल लन यफअला लाम पर, लाम पे लाम पर पेश है, जज़्म है, जज़्म और सुकून है और लाम पर ज़बर आ गई। ज़बर हालत को हमने कहा फ़ेल मुदारे में ये रफा की हालत है, फ़ेल की बात हो रही है। इस हालत को हमने नाम दिया था ये जज़्म की हालत है और ये ज़बर वाली हालत को हमने कहा था ये नसब की हालत है। सर ज़ेर वाली भी होती है, कोई ज़ेर की भी होती है? नहीं फेल में नहीं होती, इसम में होती है, उसी पर मैं आ रहा हूँ। फेल में तीन हालतें होती हैं, रफा नसब और जज़्म। अब फेल हम पढ़ चुके हैं, अब है मुस्लिमुन इसम को देख लें, ये रफा हो गई। मुस्लिमन नसब हो गई और ये मुस्लिमिन। तो फेल के अंदर जब इसम के अंदर जब इसम पेश के साथ में लिखा हुआ नजर आएगा तो हम कहेंगे ये रफा की हालत है। जबरों के साथ आएगा तो हम इसको कहेंगे नसब की हालत है। और जेर के साथ अगर आएगा तो अभी ये हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, किसी फाइव में हमने कवर करना है। बहरहाल समझने के लिए ज़हन में रखने के ये जर, इसको कहते हैं जर 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 की हालत।
और जज़्म की अलग है। जज़्म जो है अब इसको समझे, इसम में तीन हालतें पाई जाती हैं, रफा नसब और जर। और फिर की हालतें जो है वो रफा नसब और जज़्म या मज़्ज़ूम। अच्छा, अब क्या है, इसम के अंदर जो है वो जज़्म नहीं होगी और फेल के अंदर जर नहीं होगी। ठीक हो गया। रफा कहते हैं किसी भी इसम की इब्तिदाई हालत को, किसी भी इसम की इब्तिदाई उब्लीग असली हालत रफा कहलाती है। हम अगर अकेला यूं लिख देना मुस्लिम और आगे कुछ ना लिखे तो इसको पढ़ा जाएगा मुस्लिमुन ही। इसी तरह अल मुस्लिम लिखा हुआ अगर तो मीम पर कुछ भी नहीं है तो इसको पेश के साथ ही प्रोनाउंस किया जाता है अल मुस्लिमुन। तो इब्तिदाई और पहली हालत जो है उसको कहते हैं रफा की हालत, और फिर उसके अंदर कुछ और जो है वो रूल अप्लाई होते हैं तो वो चेंज हो जाता है, अल मुस्लिम से अल मुस्लिमा बन जाएगा या अल मुस्लिमी बन जाएगा। सो फार अभी तक हमने सिर्फ रफा की हालत पढ़ी है। रफा कहते हैं रफा यरफा हो, बुलंद करना, ऊंचा करना। तो पेश जो है वो सबसे ऊंची हालत है, सबसे बुलंद हालत है, इसलिए इसको नाम दिया गया है रफा की हालत। और ऊंची हालत ऊपर की तरफ, बुलंदी की तरफ है, तो ऊपर की तरफ हम इशारा करके बता रहे हैं कि ये बुलंद हालत है, उठी हुई हालत है, रफा की हालत। ठीक है। अब इस रफा की अलामत के तौर पर अगर हम देखेंगे, रफा हमें कैसे पता चलेगा, कोई लफ्ज लिखा हुआ है हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये रफा की हालत में है या रफा की हालत में नहीं है। तो रफा की दो अलामतें अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने देख ली है। एक हमने पढ़ा मुस्लिमुन, तो यहां रफा की हालत हमें क्या नजर आई, पेश। तब्दीली क्या आ रही थी, जब हम नसब में ले जाते हैं तो तब्दीली किधर आती है, ये पेश ही जबर में बदलती है ना, तो जो जबर जो बदल रही है वही हालत को इंडिकेट कर रही है। ठीक हो गया। तो एक हालत जो एक अलामत जो हमें नजर आई रफा की वो नजर आ गई है पेश, और दूसरी अलामत क्या नजर आई हमें, मुस्लिमूना। इसमें ये वाव जो है ये वाव इंडिकेट कर रहा है कि ये रफा की हालत में है। ठीक हो गया। जब ये इसको हम चेंज कर लेते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, मुस्लिम की जमा दो तरह से है, दूसरी जमा क्या है मुस्लिम की, मुस्लिमीना। तो तब्दीली कहां पर आ रही है, वाव जो है वो चेंज हो गया है या में, वाव की जगह या आ गई है। तब्दीली जो है वाव और या की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रफा और नसब वगैरह में जब तब्दीली होती है तो जहां चेंज नजर आता है उसको हम कहेंगे कि ये उस हालत की तब्दीली की अलामत है। ठीक हो गया। सिंगुलर हो तो सिंगुलर में हम देखते हैं मुस्लिमुन पेश और मुस्लिमन जबर और मुस्लिमिन जेर, तो ये पेश जबर और जेर चेंज हो रही है। लेकिन अगर प्लूरल हो तो हम देखते हैं मुस्लिमूना वाओ और मुस्लिमीना, वाओ की जगह या आ गई, और मुस्लिमीना यहाँ भी या ही है, तो ये दोनों या के साथ आती है, मुस्लिमन की जमा भी मुस्लिमीना और मुस्लिमिन की जमा भी मुस्लिमीना। ये अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुस्लिमीन मुस्लिमन की जमा है या मुस्लिमिन की जमा है, इसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। तो वो इंशाल्लाह जब हम किसी फाइव में जाएंगे तो ये चीजें इंशाल्लाह हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक के लिए हमने सिर्फ रफा की हालत देखी है, तो रफा की हालत को यूं समझ लें, इसम में रफा की हालत जो है वो इस अंदाज से हमें देखने को मिलेगी कि या तो उसके आखिर में पेश होगी या वो वाव वाली जमा होगी। ठीक है। ये है इसम के रफा की अलामतें दो। इसके अलावा कुछ अलामतें और भी आएंगी तो हम इंशाल्लाह किसी फाइव में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही काफी है। तो इसके साथ हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे इंशाल्लाह 7:30 पर। ठीक है जी, आधा घंटा तकरीबन काफी है, 27 मिनट।
सात बजकर 30 मिनट पर वापस आएंगे ब्रेक के बाद. सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي, رب زدني علما, آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آئیے شروع کرتے ہیں آج کا دوسرا اور پی سی فور کا آخری سبق, لیسن نمبر 15D. اس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 اور 105 پڑھنی ہے. تو 15ویں صفحے کے اشارات پہ آ جائیے. 15ویں صفحے کے اشارے ہیں شیاطین کی پیروی, جوڑوں میں جدائی, جانتے بوجھتے راعنا مت کہو. شیاطین کی پیروی, جوڑوں میں جدائی, جانتے بوجھتے راعنا مت کہو. شیاطین کی پیروی, جوڑوں میں جدائی, جانتے بوجھتے راعنا مت کہو. مختصر اشارے, شیاطین جدائی جانتے بوجھتے راعنا, شیاطین جدائی جانتے بوجھتے راعنا. تعارف میں پچھلی آیات کے ساتھ تعلق اور ربط کیا ہو سکتا ہے؟ گزشتہ آیات میں اللہ نے بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے عقیدوں اور برے کرتوتوں کا ذکر فرمایا ہے. اب مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ مدینہ میں موجود یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو شرارتیں کرتے تھے ان کی شرارتوں سے آگاہ رہو اور ان جیسی حرکتیں کرنے سے دور رہو. سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ جن چیزوں کا دوسروں کی جانب سے غلط استعمال ہوتا ہو ان چیزوں کے استعمال سے دور رہنا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی کوئی ایک جائز کام ہے, الاؤڈ ہے کہ اس طرح کیا جائے, لیکن وہ کام, وہ جائز طریقہ کسی کے غلط انٹینشنز کے ساتھ کرنے کی وجہ سے ان کی پہچان بن چکا ہے, تو آپ پھر اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے. پھر دوسری بات, جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات ہو تو احترام کو اور ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے. اسی بات, تلاوت, خطبہ یا دینی بیان یا کسی بھی بات کو پہلی دفعہ ہی مکمل توجہ سے سن لیا جائے تاکہ وضاحت کے لیے بار بار سوال نہ کرنے پڑے. اللہ سے اللہ کا فضل مانگیں, دشمنوں کے نفرت اور حسد کی فکر نہ کریں. دو نئے الفاظ ہیں اور باقی سارے الفاظ ہمارے پڑے ہوئے ہیں. آئیے تلاوت سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا طاعنا وقولوا انا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. صدق الله العظيم. اے ایمان والو, راعنا مت کہو اور انظر نہ کہو اور سنو اور سے, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے, لا تقولوا, تم سب نہ کہو, راعنا, یہ دو الفاظ ہیں, راعی اور نا, راعی نا. اس سے ہم ٹیبل بنا سکتے ہیں. ہم نے ایک ٹیبل بنایا تھا, کسی طریقے میں نادا یونادی, اس کی پیٹرن پر اس کا ٹیبل بن سکتا ہے. را یورا تھا ہم نے, نادا یونادی, فعل امر کیا تھا جی؟ کوئی بتائے گا مجھے, نادا یونادی سے فعل امر کیا تھا؟ نادی. نادا یونادی سے نادی, راعی سے راعی. راع یراعی کا معنی ہے رعایت کرنا, راع اس نے رعایت کی, تو راعی رعایت کرے, نا ہماری. تو یہ لفظ بہرحال یہاں پر امپورٹنٹ ہے, اس کا مفہوم امپورٹنٹ یہاں پر وہ نہیں ہے. لا تقولوا راعنا,
तुम राय ना मत कहो, वकूलू और कहो उन्दुर ना, उन्दुर ना, आप हमें देखिए, उन्दुर ना कहो, वस्माहू और सुनो, वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए आजाबुन अलीमुन। अब ये देखिए यहाँ पर भी दोनों आजाबुन भी और अलीमुन भी कौन सी हालत में आ रहे हैं, रफा की हालत, दोनों रफा की हालत में है। और ये मारिफा है या नकेरा, दोनों आजाबुन और अलीमुन नकरा, दोनों नकेरा है। अगर इनको मारिफा बनाना हो तो क्या करेंगे, ये इस आयत के पीछे एक बैकग्राउंड है कि जब कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से खिताब फरमाते और कुछ लोगों को कोई बात अगर समझ में ना आई होती तो वो कहा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूलुल्लाह राइना, ये हमारा ख्याल कीजिए, हमारी रियायत कीजिए, यानी हमारी जानिब तवज्जो दें और बात को दोहरा दें। यानी राइना जब कहा जाता था मुराद यही होता था कि आप हमारी रियायत करते हुए, हमारा ख्याल करते हुए बात को दोहरा दें। अब ये एक दुरुस्त जुमला था, बिल्कुल सही था, राइना कहना लफ्जों के एतबार से, मफहूम के एतबार से इसमें कोई खराबी नहीं थी, लेकिन यहूदी इसको जानबूझकर खींच कर अदा करते थे और राइना की बजाय कहते थे राइना, तो राइना जो है ये एक और चीज बन जाती है, राइना, यहाँ भी दो लफ्ज हैं और एक है राई और दूसरा है ना। राई कहते हैं चरवाहे को, चराने वाले को, बकरियां वगैरह चराने वाले जो होते हैं उसको कहते हैं राई, चरवाहा, और ना हमारा, तो राई ना हमारा चरवाहा। यानी वो शरारत के तौर पर राई ना को राई ना कहते थे, गोया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन करना और मजलिस को खराब करना चाहते थे। अल्लाह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम इस कदर अजीज है कि अल्लाह ने मुसलमानों को वो लफ्ज इस्तेमाल करने से ही रोक दिया कि ऐसा लफ्ज ही इस्तेमाल न किया करो जिससे बेअदबी का शायबा भी हो सके। इससे हमें अंदाजा होता है कि अदब और एहतराम रसूल की कितनी अहमियत और इम्पोर्टेंस है। बाकी भी अफराद और अंबिया गुजरे हैं, तमाम अंबिया के और तमाम इंसानियत का एहतराम अगरचे दीन इस्लाम में बताया गया है, लेकिन उसमें खास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम करना दीन के अहकाम में से है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि मुसलमानों को कहा गया कि तुम राइना का लफ्ज इस्तेमाल ही ना किया करो, बल्कि इसकी बजाय दूसरा लफ्ज कहो, उन्जुर ना, हमें देखिए। यानी अगर कोई बात समझ नहीं आई तो राइना की बजाय कहो उन्जुर ना, हमें देखिए, तो बात से भी वही समझ में आ जाएगी कि बात को रिपीट करने की जरूरत है। उन्जुर ना को खराब करना पॉसिबल नहीं था। तो वस्माहू का जो इजाफा है वो गोया ये बता रहा है कि असल तो यह है कि पहले ही दफा तुम तवज्जो से सुन लो, कि अगर अच्छी तरह से सुन लें तो इस बात का सवाल करने की जरूरत ही ना पड़े कि दोबारा दोहराएं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और कमालात और शमाइल में ये बात लिखी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही साफ अंदाज में बात किया करते थे, कि तवज्जो से सुनने वाले को वो बात एक ही दफा में समझ आ जाएगी, वे तवज्जो ही से मना किया गया। वलिल काफिरीना, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। या इस खास कॉन्टेक्स्ट में, इस खास जगह पर देखा जाए तो काफिर से मुराद वो वाला है कि हक आ जाने के बाद, हक वाजे हो जाने के बाद जो इनकार किए बैठा है, क्योंकि यहाँ एड्रेस किया जा रहा है उन लोगों को जो यहूदी हैं मदीना के, उनको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक नबी है, लेकिन उसके बावजूद वो बदतमीजी पर उतरे हुए हैं। जी सिस्टर आलिया, अस्सलाम वालेकुम सर। वो ग्रुप में सिस्टर असमत कह रही हैं कि मेरी तरफ कोई लिंक नहीं आया। लिंक नहीं आया, वो क्लास में नहीं है। नहीं, अब लिंक तो एडमिन ग्रुप में शेयर किया गया था, पता नहीं वो ग्रुप में यही कह रही है। ग्रुप से आप वैसे कोई एडमिन ग्रुप में से वहां जहां वो कह रही है उधर उनको अगर कोई शेयर कर दे काइंडली। तो इस आयत को दोहरा लें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रा'इना वक़ूलू ज़ुन्ना वस्मऊ, ऐ ईमान वालों ना कहो राइना और कहो उन्ज़ुरना और सुनो,
وللكافرين عذاب أليم, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اس سبب کی اس کورس کی آخری آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے, اور نہ ہی مشرک یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے, اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اب محاورہ ترجمہ ہو گیا. اب اب لفظ بلفظ دیکھیے, ما یا ودو, نہیں چاہتے, ودا یا ودو جو ہے وہ اسے پہلے گزر چکا ہے. یا ودو احدہم لو یعمر الف سنات, چاہنا پسند کرنا. الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, من اہل الکتابی, اہل کتاب میں سے, ولل مشرکین, اور نہ مشرکوں میں سے کوئی, این ینزل کہ نازل کی جائے, این ینزل کہ نازل کیا جائے یا نازل کی جائے. ینزل کے بارے میں اگر پوچھا جائے کون سا صیغہ ہے تو یہ کون سا پیٹرن بن رہا ہے ینزل؟ علامہ کا پیٹرن ہے, علامہ کا پیٹرن ہے. نزل ینزل ہونا چاہیے تھا, یہ ینزل ہے, تو کیا خاص بات ہے اس میں؟ مجھول سر, یہ ان سر ان کی وجہ سے یہ چینج آیا ہے, اور یہ نصب کی حالت ہے. ان کی وجہ سے لام پر چینج آیا ہے, لیکن لام سے پہلے والا زبر جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ سر یہ مجھول کی وجہ سے, مجھول ہے. یونزلو اصل میں تھا یونزلو, یہ یونزلو تو ان کی وجہ سے ہو گیا یونزلو, کے لام کی پیش کو زبر میں بدل دیا یونزلا کہ نازل کیا جائے. علیکم, تم سب پر, من خیرن, کوئی بھلائی, من ربکم, تمہارے رب کی جانب سے. واللہ, اور اللہ, یختص, اختص, یختص, اختصاص, اختلاف, یختلف کی طرح ہے, لیکن اس کے مادے کے حروف میں صاد ڈبل آ رہا ہے تو اس لیے مرج ہو گیا, اختصاص سے اختص ہو گیا, یختصص سے یختص ہو گیا. ٹھیک ہے, خاص کر لینا, ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مختص کرنا, اسی چیز کو جب جو ہے وہ کسی کے لیے فکس کر دیا جائے, طے کر دیا جائے, تو ہم کہتے ہیں یہ چیز اس کام کے لیے مختص ہے, وہ اسی سے ہے. برحمت ہی, اپنی رحمت سے, من یشاء, اسے وہ چاہتا ہے. واللہ, اور اللہ, ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والا ہے. تو یہاں پر ہمیں کوئی رفع کی حالت میں نظر آ رہا ہے اسم؟ واللہ, اللہ, دو جگہ پر اللہ ہمیں نظر آیا رفع کی حالت میں. ہمارے پاس ماں یہاں پر کتنے نظر آ رہے ہیں؟ جی خیرن معرفہ, معرفہ, خیرن معرفہ ہے. واللہ معرفہ. شروع سے شروع کریں. ما یود الذین کفروا من اہلی الکتابی ولا المشرکین ان ینزل, ان سب میں دیکھیں اوپر تک ابھی تک کوئی گزرا معرفہ اسم؟ للکافرین المشرکین, الولے سارے معرفہ ہو گئے نا, تو کون کون سے آ رہے ہیں الولے؟ الفضلی العظیم, یہ سب معرفہ آ رہے ہیں دوست. اچھا جی, تو مدینہ کے یہود مسلمانوں سے حسد کرتے تھے, اور ان کے لیے کسی بھی قسم کی اچھائی کو پسند نہیں کرتے تھے. مسلمانوں کی سوچ یہ تھی کہ اہل کتاب اللہ کے پیغام سے محبت رکھنے والے ہوں گے, یا کم از کم رسول کا تو احترام کریں گے. مکہ میں تھے جب, اور مشرکین مکہ
तंग करते थे, परेशान करते थे, तो सोचते थे कि मदीना में जाएंगे, वहां पर अहले किताब हैं, यहूद हैं, ईसाई हैं, तो वो आसमानी मजाहिब के मानने वाले हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करेंगे और अल्लाह की किताब को भी मान लेंगे क्योंकि उनकी किताबों में निशानियां और पेशनगोइयां मौजूद हैं। लेकिन जब वो वहां गए और मक्का के मदीना में यहूदियों ने देखा, तो बात मानने के बजाय उन्होंने उसका इनकार किया। तो अब सूरत हाल ये हुई कि मुशरिकीन मक्का भी मुसलमानों के दुश्मन हैं, उन्होंने उनको मक्का से बाहर निकाल दिया, और मदीना में गए हैं तो यहाँ पर यहूदी भी मुसलमानों के दुश्मन। तो बताया जा रहा है कि कुफार और मुशरिकीन तुम्हारे लिए कोई खैर नहीं चाहते। अब खैर का मतलब यहाँ पर हर अच्छी चीज है, कोई भी भलाई अगर मिलती है दुनिया और आखिरत की, वो हर चीज को के ऊपर ही उनके जो है वो त्योरियां चढ़ जाती हैं कि ये मुसलमानों को क्यों मिल गई, किताब क्यों मिल गई, पैगंबर क्यों मिल गया, दीन क्यों आ गया, मुसलमानों का किसी जंग में पता क्यों मिल गई, या और कोई भी फायदा दुनिया का या आखिरत का जो नजर आ रहा हो उनको, उस पर उनको तकलीफ होती है। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को समझा रहा है कि वही नेमतें अता करने वाला है, तो तुम उसी से खैर की भीख मांगो, उसी से खैर की दुआ मांगते रहो कि वही फजल वाला है। हदीस शरीफ में आता है, कुरान शरीफ एक ऐसा अजीम शान और बेहतरीन तोहफा है कि इसकी पैरवी करके हम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इस किताब यानी कुरान के जरिए कुछ कौमों को बुलंद फरमाता है, तो कुछ कौमों को इसके जरिए पस्त और जलील कर देता है, गिरा देता है। यानी सिंपल है, जिसने कुरान मजीद को पढ़ा समझा और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी बना ली तो उसको अल्लाह ताला बुलंद कर देगा, और जिसने कुरान मजीद को पढ़ने से इनकार किया, समझने से इनकार किया और इसके मुताबिक जिंदगी ना बनाई तो वो पस्त और जलील हो जाएगा। तो हमें अल्लाह ताला से यही दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें पहले वाली कैटेगरी में शामिल फरमाए कि हम कुरान के जरिए बुलंदी पाने वालों में से हों। आमीन। आयत दोहरा लें एक मरतबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मा यवद्दु अल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब। नहीं चाहते वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अहले किताब में से। وللمشركين أن ينزل عليكم اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ نازل کی جائے تم پر من خیر من ربکم کوئی بھلائی تمہارے رب کی جانب سے والله يختص برحمته من يشاء اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے जिसे वो चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम और अल्लाह बड़े फजल वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आयात का तर्जमा मुकम्मल हुआ। असबाब को एक मरतबा फिर से देखिए कि जिन चीजों का इस्तेमाल गलत लोगों की वजह से गलत अंदाज में हो रहा है और वो उनकी पहचान बन चुकी है, तो अब उन चीजों के इस्तेमाल से दूर रहना चाहिए। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात हो तो एहतराम और अदब के साथ बात की जाए। तिलावत, खुतबा, दीनी बयान या किसी की भी बात हो तो उसको मुकम्मल तवज्जो के साथ सुना जाए ताकि वजाहत के लिए बार बार सवालात न करने पड़े, और अल्लाह से उसका फजल मांगे। दुश्मनों की नफरत और हसद की फिक्र मत करें, और इसकी आयात और अहादीस की रोशनी में हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सुनने और पढ़ने की तौफीक अता फरमा और उसके मुताबिक हमें जिंदगी में अमल करने की तौफीक अता फरमा। प्लान बनाया जाए कि हदीस की किसी किताब जैसे रियादुस सालिहीन या मिश्कातुल मसाबीह वगैरह का मुताला करने का प्लान बनाएंगे इंशाअल्लाह। आज से नियत कर लें, और आज ये किताबें अब तो अवेलेबल हैं सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट फाइल्स इसकी मौजूद है हमारे मोबाइलों में, जैसे और बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम ये चीजें भी रख सकते हैं, बल्कि रखनी चाहिए कि जो फारिग वक्त हो तो बजाय सोशल मीडिया पर टाइम ज़ाया करने के हम इनमें से कोई भी किताब खोलें। उर्दू तर्जुमों के साथ भी अवेलेबल हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ भी अवेलेबल हैं, अरबी में भी मौजूद हैं, तो अरबी को पहले तो समझने की कोशिश की जाए, नहीं तो फिर ट्रांसलेशन देख ली जाए। और रोज़ाना कम अज़ कम एक हदीस, एक कुरान की आयत को थोड़ा सा वक्त देख कर पढ़ा जाए, इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगियों में एक वाज़ह तब्दीली महसूस करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्मा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई नया लफ्ज कोई नहीं है जिसका नया इसम जिसके हम वाहिद और जमा देखें, बहुत सारे अस्मा हैं लेकिन कई दफा गुजर चुके हैं।
अफाल में आया उनजुर में, ये उनसुर ना की तरह है तो नजर, यंजुरु उनजुर, नाजिर मंजूर नजर, नजारा यंजुरु उनजुर, नाजिर मंजूर नजर, देखना नजारा उसने देखा, तो उनजुर देखें तवज्जो करना, तो मंजूर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, मंजूर कहते हैं ये बात मंजूर हो गई, यानी इसको देख लिया गया, इस पर तवज्जो दे दी गई। इस्माहु समिया यस्माहु से इस समिया यस्माहु इस्मा सामिउन मस्मूउन समउन सुना। कफरु नसरा यंसुरु का पैटर्न, कफरा यकफुरु उकफुर काफिर मकफूर कुफर, और कफरा का तर्जमा तीन तरह से किया जाता है कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, कुफर करना इनकार करना या नशुक्री करना, यहाँ पर जो है वो कुफर के माना में इस्तेमाल हो रहा है। अज़ीम ये करुमा का पैटर्न है, अज़ुमा यअज़ुमु उज़म अज़ीमुन डैश इज़ामुन, अज़ुमा यअज़ुमु उज़म अज़ीमुन डैश इज़ामुन। कमजोर अफ़ाल में ला तक़ूलु क़ाला यक़ूलु क़ुल क़ाइलुन मक़ूलुन क़ौलुन और यवद्दु, ये मस्सा या मस्सु की तरह हम क्यूसी थ्री में आई थिंक प्रैक्टिस करके आए थे मस्सा की, तो वो याद होगा आपको मस्सा से, फिर मस्सा मस्सु यहाँ क्या बना था सामने जी, मस्सा मस्सु मसिस्ता, माजी का पूरा टेबल हमने किया था, मस्सा मस्सु मसिस्ता, समिया का चूंकि पैटर्न है तो मसिस्ता मसिस्तु मसिस्तुम मसिस्ना यमस्सु यमस्सुना अमस्तु अमस्तुना अमस्तु। और अमर में मस्सा या इमसस दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है, लातमस्सा लातमस्सु और मासुन ममसूसुन और मस्सु, तो उसी पैटर्न पर ये वद्दा बन रहा है, वद्दा या वद्दु वद्दा या इवदद, अमर दो तरह से हो सकता है, वद्दा माजी और मुदा, माजी और अमर एक जैसे, लेकिन पहचान के लिए हम इसको ब्रैकेट में अपने साथ अपने पास लिख सकते हैं, इवदद इस्मा की तरह इवदद, वादुन मौदूदुन और वुद्दुन चाहना पसंद करना, तो वद्दा से अगर माजी बनाए तो क्या बनेगा, वद्दा वद्दु वदित्ता लेकिन इससे सिर्फ माजी और मुजारे ही इस्तेमाल होता है खासतौर पर कुरान में, बाकी जगहों पर मशीअतुन मस्तर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और अमर इस्म फाइल और इस्म मफूल ये इस्तेमाल नहीं है कुरान में, शाह माजी और यशाउ मुदारे यही इस्तेमाल हुए ज्यादा। मजीद फी में आमना आया, अभी भी हमने प्रैक्टिस की आमना और मुशरिकीन, ये कौन सा पैटर्न होगा, असलमा का, अशरका युशरिकु अशरिक मुशरिकुन मुशरकुन इशराकुन, उसने शिर्क किया उसने शरीक बनाया, और युनज़्ज़ल ये अल्लामा का पैटर्न था, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु नज़्ज़िल मुनज़्ज़िलुन मुनज़्ज़लुन तंज़ीलुन, यख्तसु इख्तलाफ़ का पैटर्न, लेकिन माध्य में चूंकि सौद डबल आ रहे थे इसलिए मर्ज हो गया आखिर में, इख्तस्सा यख्तसु इख्तसिस मुख्तसुन, और इसम मफ़ऊल भी मुख्तसुन इख्तिसासुन, ठीक है जी, तो मुख्तसुन असल में अगर इस मर्ज को खत्म करें तो मुख्तसिसुन है, और मुख्तसुन इसम मफ़ऊल वाला मुख्तससुन है, जैसे था मुख्तलिफुन और मुख्तलफुन, इसका भी माजी पूरा कर लेते हैं जरा, इख्तस्सा इख्तस्सु यहाँ आएगा, इख्तसस्ता इख्तलफ्ता की तरह इख्तसस्ता, या मर्ज खत्म हो जाएगा, इख्तसस्ता इख्तसस्तु इख्तसस्तुम इख्तससना, और बाकी आगे इसी तरह चलेगा। अमर में फिर ये इख्तसिस इख्तसिसु ला तख्तसिस ला तख्तसिसु,
अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें रफा वाले अस्मा भी देख चुके हैं, मारिफा अस्मा भी देख चुके हैं। कोई और बात जो इसमें कर... और एक इसमें आया है अन की वजह से फेल मुदारे पर हथौड़ी वाला अमल हो गया, युनज़्ज़ला बन गया, ठीक हो गया। कोई और बात इसमें कोई समझने वाली जो अभी तक हम ग्रामर पढ़ चुके हैं उसकी एप्लीकेशन के हवाले से किसी के जहन में हो, कोई करना चाहे? सर ये मैंने पूछा ये या अल्लाह जीना, ये अल्लाह जीना ये भी मारफा ही होगा ना? जी जी, ये प्रोनाउंस जितने भी आते हैं ना, चाहे वो जो है वो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस अस्मा इशारा हो या जमीरें हों या इस तरह के सब अल्लाजी अल्लाजीना वगैरह, ये सब मारिफा ही होते हैं क्योंकि ये हमेशा किसी न किसी मखसूस शख्सियत की मखसूस चीज की बात ही कर रहे होते हैं। जी सिस्टर सजल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मुझे पूछना है कि इख्तलासा का भी आपने फाइल और मफूल में क्या बताया? इसमें ये है कि देखें इख्तलाफा का पैटर्न है ना, तो इख्तलाफा से इसम फाइल क्या था? मुख्तलिफुन। तो उसी पैटर्न पर बनेगा, असल बनेगा मुख्तसिसुन। असल में ये बनेगा काम नहीं करता, असल में ये बनेगा ये पेन नहीं काम कर रहा। चले फिर अपने पास आप नोट कर लें, इख्तलाफा के पैटर्न पर जब हम जाएंगे तो इख्तलाफा से बनता है मुख्तलिफुन और मुख्तलफुन। मुख्तलिफुन और मुख्तलफुन में मादे के हरूफ थे खा लाम और फा, तो खा लाम फा की जगह खा सौद और सौद लगाकर बनाएंगे तो इसम फाइल बनेगा मुख्तसिसुन, सेकेंड लास्ट के नीचे जेर मर्ज खत्म, और इसम मफूल बनेगा मुख्तसिसुन इब्तदाई तौर पर। फिर आखिर में दो हरूफ एक जैसे आ गए हैं तो उनको मर्ज करेंगे जब तो दोनों की शक्ल एक जैसी हो जाएगी, मुख्तसुन और मुख्तसिसुन दोनों एक जैसे होंगे। देखने में हमें मुख्तस इसम फाइल भी वही नजर आ रहा है, मुख्तस इसम मफूल भी वही नजर आ रहा है, लेकिन जब हम इसको यूज करेंगे तो यूजेज में फिर हमने इसको देखना होगा कि ये अगर खास करने वाले की बात हो रही है तो वो इसम फाइल वाला मुख्तस होगा, मुख्तसिस से मुख्तस बना होगा, और अगर जिसको खास किया गया उसकी बात हो रही है तो फिर वो इसम मफूल यानी मुख्तसिसुन से मुख्तसिसुन बना हुआ होगा। ये बात की थी, ठीक है जी। जी सर, और सर ये भी प्लीज बताइएगा वद्दा का आपने दूसरा फेल नंबर क्या बताया? इवदद। इस्मा की तरह इस्मा, इस्मा लिखे और सीन मीम आई की जगह वाव दाल और दाल इसको ऐड कर ले, फिर जबरे वहीं छोड़े तो बन गया इवदद। सर अगर ये वाला क्विज में आता है मुख्तसिसुन इसम फाइल और इसम मफूल तो वो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ आएगा, ब्रैकेट्स में आएगा साथ, ब्रैकेट्स में क्या आएगा? ब्रैकेट्स में मुख्तसिसुन और मुख्तसिसुन साथ होगा ताकि आपके लिए हिंट हो कि यहाँ ये जो मुख्तस लिखा हुआ है ये मुख्तसिस से मुख्तस बना हुआ है, ठीक है, तो ताकि आप लोगों को ब्रैकेट में साथ वो भी दिया होगा, दोनों चीजें जी इनके जेर ही आएगा, सॉरी ये जो सम फाइल है इसके नीचे जेर आएगा, मुख्तसिस के नीचे जेर आएगा, मुख्तसिस आखिर में देखिये जब ये मर्ज करके लिखेंगे ना जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो ये पेश के साथ ही नजर आएगा आपको, मुख्तसिसुन और इसम मफूल भी मुख्तसिसुन है, जब इस दो सौद जो इकट्ठे किए हुए हैं इदगाम किया हुआ है मर्ज कर दिया है, इस मर्ज को हम खोलेंगे तो फिर जो इसम फाइल वाला है उसमें
और क्या होता है اسم فاعل اور اسم مفعول میں اس میں زیر آ جاتی ہے نا زیر اور زبر اسم فاعل میں اسم فاعل میں زیر کہاں پہ آتی ہے سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ بتاتا ہے ہمیں کہ یہ اسم فاعل ہے یا اسم مفعول تو سیکنڈ لاسٹ مختصص میں سیکنڈ لاسٹ جو دو صاد میں سے پہلا ہے وہ سیکنڈ لاسٹ بن رہا ہے اس کے لیے جو زیر ہوگی تو وہ اسم فاعل والا ہے اور اگر اس پر زبر ہے تو وہ اسم مفعول والا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سر اس کا امر جو ہے وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے ماضی کی طرح ہی اس کا امر بن سکتا ہے اختصص بھی اور اختصا بھی اختصص ہی استعمال ہوتا ہے زیادہ یعنی اس میں دو چیزیں جیسی ہوگی ایک امر اور ایک ماضی اور ایک اسم فاعل اور اسم مفعول جی مطلب لکھنے میں ایک جیسے ہوں گے لکھنے میں دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے استعمال میں ظاہر ہے وہ ڈفرنس آئے گا اس کا تو آخری حصے پر آ جائیں گرامر ہم نے پڑھنا ہے اور اس میں جملہ اسمیہ وہی جو ہم نے پہلے پڑھا وہ مذکر تھا اب ہم مؤنث دیکھیں گے کہ مؤنث جملہ اسمیہ کیسے بناتے ہیں تو یہ بات پچھلے لیسن میں بھی اس کو بار بار ہم ریپیٹ کریں گے تاکہ یہ ہمارے ذہنوں میں اچھے طریقے سے راسخ ہو جائے کہ عربی گرامر کو دو اہم حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے صرف اور نحو صرف کہتے ہیں کسی بھی فعل کے اصلی حروف ہوں اور ان کو لے کر مختلف الفاظ بنا لیے جائیں تو حروف کو مختلف شکلوں میں ڈھال کر الفاظ بنانے کو صرف کہتے ہیں اور نحو کہتے ہیں ان الفاظ کو مختلف کمبینیشنز میں جوڑ کر لکھ کر بامعنی جملے بنا لیے جائیں جیسے البیت کبیر ہم نے ایک کمبینیشن بنائی یا چھوٹے چھوٹے فریزز اور جوڑیاں بنائی جائیں اور پھر ان جوڑیوں کے ساتھ کچھ مزید الفاظ ایڈ کر کے پورا ایک کمپلیٹ سینس والا جملہ بنا لیا جائے یہ بات یعنی الفاظ کی فارمیشن جو ہوگی وہ صرف ہوگی اور سینٹنسز کی نحو ہوگی بالکل حروف سے الفاظ بنانا صرف ہے اور الفاظ سے جملے بنانا نحو ہے ٹھیک ہو گیا اور ایک اور جب آپ جملے بناتے ہیں تو لفظوں کے آخر میں پیش زبر اور زیر تبدیل ہوتی رہتی ہے کبھی پیش کبھی زبر کبھی زیر کبھی ڈبل حرکت کبھی سنگل حرکت کبھی واو نون کبھی یا نون تو یہ ساری تبدیلیاں اس لفظ کا رول بدلنے کی وجہ سے آتے ہیں کبھی وہ سبجیکٹو حالت میں ہوگا کبھی وہ آبجیکٹو پوزیشن پہ ہوگا کبھی وہ مبتدا ہوگا کبھی وہ خبر ہوگا تو ہر پوزیشن اور ہر رول کے اعتبار سے اس کے آخر میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہمیں نظر آئے گی یہ تبدیلیاں بھی ہم نحو کی مدد سے ہی سیکھتے ہیں تو جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو ہم سٹارٹ کر چکے ہیں اس میں ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ اس کے دو حصے ہیں پہلے حصے کو کہتے ہیں مبتدا اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں خبر اور یہ دونوں حصے رفع کی حالت میں ہوتے ہیں اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے اور ایک اور بات ہم نے جانی اس کی جو یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن وہ ہمارے نالج میں رہنی چاہیے کہ مذکر کے ساتھ خبر بھی مذکر آئے گی اور مؤنث کے ساتھ خبر بھی مؤنث آئے گی واحد ہے تو خبر بھی واحد جمع ہے تو خبر بھی جمع ابھی تک کے لیے اتنا ذہن میں رکھیے باقی اس کی ڈیٹیلز جب ہم آگے چل کر پڑھیں گے کیو سی 5 اور 6 وغیرہ میں تو اس میں کافی ساری ویریشنز ہمیں نظر آئیں گی جملہ اسمیہ کے اندر ٹھیک ہے جی تو یہ جملے ہم کر چکے ہیں ان کا میں اشارے کر رہا ہوں آپ لوگ ترجمہ کریں گے اللہ غفور ترجمہ کیجئے اللہ غفور اللہ بخشنے والا ہے اللہ بخشنے والا ہے البیت کبیر گھر بڑا ہے بڑا ہے المسلم صادق مسلمان سچا ہے سچا ہے المسلمون صادقون خاص مسلمان سچے ہیں تو خاص مسلمان سچے ہیں تو اب اس میں ہم نے جملہ اسمیہ مذکر تو ہم پڑھ چکے ہیں مؤنث سیکھتے ہیں مؤنث میں کیا ہے دیکھیں مؤنث اگر مبتدا مؤنث ہے المدرسۃ تو خبر بھی کبیر نہیں آئے گی کبیرتن آئے گی اچھا جو رول ہم کسی ون کے سٹارٹ سے اپلائی کرتے آ رہے ہیں کہ مذکر کے لیے ہم دایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں تو مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ یہاں پر بھی ہم بائیں ہاتھ کا استعمال کر لیں گے لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اشارہ کرتے وقت ہم نے عربی زبان کی جو ہے نا اس کو ڈائریکشن کو دیکھنا ہے کہ وہ رائٹ ٹو لیفٹ چلتی ہے
दाएं हाथ से तो आसान था, हमने इधर किया और फिर इधर कर लिया। अब बाएं में ये ना हो कि हम इंग्लिश वाली साइड पे चलना शुरू हो जाएं कि अल मदरसतु कबीरतुन, ये ना हो बल्कि अल मदरसतु कबीरतुन, क्योंकि यहां से शुरू हो रही है हमारे सामने। ठीक हो गया? तो अल मदरसतु कबीरतुन, मदरसा बड़ा है। मदरसा अरबी जुबान में मुअन्नस के तौर पर लिया जाता है क्योंकि इसके आखिर में गोल ता हमें नजर आ रही है। तो अल मदरसतु कबीरतुन, मदरसा बड़ा है। अल मुस्लिमतु सादिकतुन, और यहाँ भी प्लूरल चार उंगलियों के साथ आ जाएगा, अल मुस्लिमातु सादिकतुन, मुस्लिम सच्ची है। अब तर्जमा कीजिए, अल मुमिनतु सालिहतुन, मोमिन औरत नेक है। अल मुमिनातु सालिहतुन, मोमिन औरतें नेक है। अल मुनाफिकतु फासिकतुन, मुनाफिक औरत जो है वो फासिक है। अल मुनाफिकातु फासिकातुन, मुनाफिक औरतें फासिक हैं। अब ये सिंगुलर है तो आप इसका प्लूरल बनाएंगे, अल मुस्लिमातु सादिकातुन, अल मुस्लिमातु सादिकातुन। अगर मुब्तदा प्लूरल तो खबर भी प्लूरल। अल मुमिनातु सालिहतुन, देखिए ये बात अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करें कि जब किसी इस्म के शुरू में अल आ जाए तो फिर उसके आखिर में तनवीन किसी सूरत नहीं आ सकती। अल मुमिनातु सालिहातुन, अल मुमिनातु सालिहातुन, अल मुनाफिकतु फासिकतुन, फिर एक आवाज आई अल मुनाफिकातुन, अल मुनाफिकातुन। देखिए तवज्जो करें, अल और तन्वीन किसी एक इस्म में इकट्ठे कर देना अरबी ग्रामर के एतबार से इस तरह का गुनाह है जैसे दीन इस्लाम में हराम दर्जे का गुनाह है। सर एक दफा फिर बताए क्या क्या करना गुनाह है? शुरू में कोई इसम है तो उसके शुरू में अगर अल आ गया है तो अब उसके साथ तनवीन भी पढ़ ले कोई, यानी अल मुमिनतु की बजाय अल मुमिनतुन पढ़ दे दो हरकतों के साथ। तो इसको जैसे दीन इस्लाम में कोई गुनाह हराम काम होता है तो ग्रामर वाले कहते हैं कि अल और तनवीन एक इसम में इकट्ठे कर देना हराम है। अच्छा सर, ये नहीं पता था मैं। अल और तनवीन एक ही इसम में इकट्ठे कर देना मतलब ये ऐसा रूल है कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आमतौर पर हम कोई भी रूल पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आ जाता है जी कि ये इसमें एक्सेप्शन है, इसमें कोई एक्सेप्शन। ये ऐसा रूल, कुछ रूल्स अरबी के ऐसे हैं जिनमें एक्सेप्शन कोई नहीं है। तो ये उन रूल्स में से एक है कि किसी इसम में अल और तनवीन ये कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे। ठीक है? तो अल मुनाफिकतु फासिकतुन है तो इसकी फिर प्लूरल कैसे बनाएंगे? अल मुनाफिकतु सिंगल पे और फासिकतुन, अब हम मुज़क्कर जुमले में बोलूंगा आपने उसकी मुअन्नस बनानी है। अल मुस्लिम सादिकुन है तो मुअन्नस क्या बनेगी? अल मुस्लिम सादिकतुन, अल मुस्लिम तो सादिकतुन, अल मुमिन सालिहुन है तो मुअन्नस क्या बनेगी? अच्छा एक चीज यहाँ पर आई है जो हमने क्या पढ़ा था लेसन नंबर 13 डी में,
टूटी हुई जमा यानी जमा मुकसर के लिए इशारा फेल जमीर कैसे इस्तेमाल होते हैं? 13D मोनस के है किसी के जहन में? मोनस के तौर पर मोनस के होते हैं मोनस और वाहिद होता है या जमा वाहिद मोनस। तो वहां पर हमने पढ़ी थी क्या जी क्या पढ़ा था हाजी ही कुतुबुन हाजी ही मोनस वाला इशारा किया था हाजी ही कुतुबुन वअलैहा अक्लामुन। तो बैत मुज़क्कर है वैसे जब इसकी टूटी हुई जमा बनती है तो बुयूत बनती है। तो बुयूत के अगर बात करनी है कि घर जो है वो बड़े हैं तो फिर क्या कहेंगे अल बुयूतु कबीरतुन कबीरतुन इस्तेमाल होगी। मस्जिद है तो मस्जिद की जमा मसाजिद है। मस्जिदों के बारे में अगर कहना है कि मस्जिदें खूबसूरत हैं तो क्या कहेंगे अल मसाजिदु जमीलतुन वाहिद मुअन्नस जमीलतुन। जबल कहते हैं पहाड़ को तो जबल पहाड़ को इसकी जमा आती है अल जिबाल। अगर कहना है कि पहाड़ बड़े हैं अल जिबाल कबीरतुन ये बनेगा अल मसाजिदु ठीक है जी। ये वो 13D वाला रूल एक दफा दोबारा देख लीजिएगा क्लास के बाद। तो अल मस्जिदु कदीमुन है ये मुजक्कर था तो इसलिए दाएं हाथ का इशारा भी मैं कर रहा हूँ अल मस्जिदु कदीमुन। इसको जब जमा में ले जाएंगे तो मुअन्नस वाला इशारा करेंगे अल मसाजिदु कदीमतुन अल मसाजिदु कदीमतुन। अल बैतु जदीदुन है तो इसकी जमा क्या बनेगी अल बुयूतु जदीदतुन अल बुयूतु जदीदतुन। अल जबलु कबीरुन कबीरतुन। अगर सर ये हो पहाड़ ऊंचे हैं तो उसके लिए क्या आएगा? ये तो कबीर वैसे बड़े हो गए। आलियतुन अल जिबालो आलुन आलुन अल जिबाल आलियतुन अल जिबाल आलियतुन अल जिबालु आलियतुन। अच्छा कुछ और थोड़े से बनाते हैं यहाँ पे। कलम की जमा आती है अकलाम कलम की जमा अकलाम। अगर मैंने कहा हो कि ये बहुत बहुत से कलम अकलाम नए हैं अल अकलाम जदीदतुन अल अकलाम जमीलतुन किताबें पुरानी हैं अल कुतुब कदीमतुन कदीमतुन कदीम पुराने को कहते हैं अल कुतुब कदीमतुन। और अगर कहना है कपड़े महंगे हैं कपड़ों को कहते हैं अस्सब कपड़े को कहते हैं जमा आएगी अस्सब महंगे को कहते हैं गाली और मुअन्नस आएगी गालिया सियाबु कपड़े महंगे हैं एंड सो ऑन। इस तरह की और मिसालें आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर बना सकते हैं। तो कंक्लूड करते हुए जुमला इसमें आज हमने पढ़ा इसको जो है ना वो अपने पास अगर नोट्स के तौर पर कोई लिखना चाहे मेरे पास आज ये पेन कुछ गड़बड़ कर रहा लिख नहीं रहे नहीं तो मैं यहाँ लिख देता। जुमला इस्मिया आपने पढ़ा है इसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा मुब्तदा कहलाता है दूसरे हिस्से को खबर कहते हैं। ठीक हो गया। पहला हिस्सा आमतौर पर मारिफा होगा दूसरा हिस्सा आमतौर पर नकिरा होगा। दोनों हिस्से रफा की हालत में होंगे। मुब्तदा मुज़क्कर हो तो खबर भी मुज़क्कर मुब्तदा मुअन्नस हो तो खबर भी मुअन्नस मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद मुब्तदा जमा है तो खबर भी जमा।
ठीक है जी, सिर्फ एक एक्सेप्शन हमने देखी कि मुब्तदा अगर जमा मुकसर है, टूटी हुई जमा, तो फिर खबर वाहिद मुअन्नस आएगी। ये आज के दोनों लेसन की ग्रामर का खुलासा आप इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो इसके साथ हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट हुआ। कोई बात किसी ने पूछनी हो, कोई सवाल किसी के जहन में हो, आप खड़ा करके पूछ सकते हैं। ये पूरी किताब वर्कबुक के बारे में पूछना है कि वो कब सबमिट करवानी है। वर्कबुक जो है वो आप लोगों ने सबमिट करनी है जब आपका रिवीजन सेशन हो जाएगा, यानी अगले हफ्ते तक आपके पास टाइम है। अगले हफ्ते के बाद फाइनल क्विज से पहले पहले आप अपनी वर्कबुक भेज दें। कैसे भेजेंगे? PDF बना के या पिक्चर्स लेकर, आप यहाँ पर कोरियर ना करें, ठीक है? कोरियर नहीं करनी है आपने, जस्ट PDF बनाकर या पिक्चर्स बनाकर भेज देनी है। व्हाट्सएप के थ्रू मुझे भेज दें, या अब्दुल रहमान साहब का नंबर भी आपके पास होगा, हम दोनों में से किसी को भी भेज दें। तो राबिया को भी भेज सकते हैं, सिस्टर राबिया को भी भेज सकते हैं, लेकिन वो आजकल थोड़ी सी छुट्टी पर है, तो अगर मुझे या अब्दुल रहमान साहब को ही भेजें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक बार दूसरा, PDF या पिक्चर लेने से पहले उस वर्कबुक के ऊपर अपना नाम जरूर मेंशन करना है आपने, और वो वाला नाम अगर हो सके तो इंग्लिश स्पेलिंग्स के साथ कर दें, जो नाम आप अपने लिए सर्टिफिकेट पर चाहते हैं, ठीक है? तो लेकिन अगेन ये बात जरूर ध्यान में रखें कि कोरियर या डाक के जरिए ना भेजें यहाँ पर अलफला मंजिल में, बल्कि PDF या पिक्चर्स बनाकर सॉफ्ट फाइल ही हमें भेजिए, ताकि उसको चेक करना हमारे लिए देखना आसान हो। ठीक हो गया जी, कोई और बात किसी के जहन में, कोई सवाल लेसन के मुतालिक अगर है तो? सर अस्सलाम वालेकुम। अदरवाइज लेसन का टाइम मुकम्मल हो चुका है, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। सर मैं कोई क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे। जी सिस्टर बताइए। सर मैंने ऑपरेशन किया हुआ पिछले जुमे को, तो वो एक तो लेक्चर मैंने सुन एक मिस हो गए, जो कॉपी का है वो आधा कॉपी का आधा रह गया है, लेकिन मैं बैठ नहीं सकती, और मुझे कोई किसी से कहे कि मुझे कोई अपना होमवर्क की कोई पेज भेज दे, ताकि मैं वो देख के होमवर्क कॉपी बना लूं बैठ के। देखिये वर्कबुक का पर्पज क्या है, वर्कबुक का मकसद ये है कि आपने जो पढ़ा है उसको अपने समझ के मुताबिक उसको हल करें। आपको आई थिंक लास्ट वीक या उससे पहले भी आपने बताया था कि आपका इशू है, कोई बीमारी है, तो अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। आपको मैंने कहा था कि आप आराम से अपने बीमारी का जो हिस्सा है इलाज अपना मुकम्मल करवाएं, और जब आप सही हो जाए बिल्कुल तो उस वक्त आप भेज दें, आपका उस वक्त भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा आपका, क्योंकि जनरल रीजन है। लेकिन किसी से मंगवा कर उसको जस्ट देख कर कॉपी कर लेना का फायदा नहीं होगा आपको, भेजने को तो कोई भी भेज देगा। क्विज फिर कब होगा? क्विज 2 हफ्ते बाद है, यानी अगले हफ्ते हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्विज होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आप तब तक रूबसेहत हो चुकी होंगी इंशाल्लाह। ठीक है सर। ठीक जी, सिस्टर साइमा हबीब। जी सर, मेरे जहन में बस आ रहा था कि वो जो आपने कुल उन्ज़ुरना बस वो वला तकुल राइना जो है ना, उसमें उसमें कोई मिसाल आप बता सकते हैं जिसमें आप कह रहे थे कि जो हमें पता लगे कि कोई नाफरमान कौम करती है तो हमें नहीं करना चाहिए, कुछ मिसाल ताकि और जहन में बैठ जाए। हम इसको अब मैं उसको कैसे रिलेट करूं मिसाल के तौर पर, वैसे देखें ना, अगर बात की जाए तो क्रिश्चियंस जो है वो बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कि जो वैसे देखा जाए तो अलाउड है, वैसे देखा जाए तो अलाउड है, मतलब वो हजरत ईसा अलैहि सलाम के हवाले से बड़ा जो है वो खुशी का इजहार करते हैं। 25 दिसंबर उन्होंने जो है ना वो रखा हुआ जी के इस दिन को पैदा हुए थे, इन केस अगर पैदा हुए हैं या नहीं हुए, बहरहाल मशहूर कॉल के मुताबिक पैदा हुए हैं, और उस दिन वो बड़ा खुशी से एहतमाम करते हैं और वो करते हैं। अब वो क्रिसमस के केक काटना, क्रिसमस बनाना और ये सारी चीजें करना, ये ईसाइयों का पहचान है,
लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली देखें हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे वजरा जो है वो जा रहे होते हैं और उनकी मजालिस में और महफिल में जाकर क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को वो भी जाकर केक काट रहे होते हैं। हिंदुओं की कोई होली दिवाली आ जाती है, चराग दिए जलाना वैसे तो जायज है, आप किसी भी वक्त दिया जलाकर बैठ जाएं आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा, उसको दीन ना समझें आप, लेकिन आप जो है वो आ जाकर होली और दिवाली के दिए बजाएं और ये चीजें करें तो उस खास दिन के अंदर करें, आप मखसूस वक्त में करें, तो अब ये उनके साथ एक मुशाबियत हो गई है, तो उस दिनों में खास तौर पर जो है वो ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और कुछ काम फिर ऐसे हैं कि जो मखसूस है उनके लिए, मसलन हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जो हिंदू हैं उनका ख्वातीन का लिबास है साड़ी पहनना, तो साड़ी में एक तो वैसे ही थोड़ा सा उस लिबास के अंदर जो है वो बेपर्दगी है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो क्या कहते हैं उसको, इस अंदाज से भी उसको डिजाइन किया जाता है कि वो पूरा सतर को छुपाने वाली होती है, लेकिन फिर भी उसका एक डिजाइन और बनावट होती ऐसी है कि वो साड़ी दूर से पता चलता है कि ये खातून ने आम कपड़े पहने हुए हैं या साड़ी पहनी हुई है, तो वो वैसे जायज है अगर उसने लिबास का असल ये है कि सातर होना चाहिए, जिस्म को छुपाने वाला हो, पर्दा करने वाला हो, सतर छुपाने वाला हो, उसमें साड़ी भी आ सकती है, उसमें पैंट शर्ट भी आ सकती है, सब कुछ आ सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे लिबास हैं जो दूसरे बातिल कौमों का शियार बन चुके हैं, पहचान बन चुके हैं, तो उससे फिर अपने आप को बचाने के लिए जो है वो उन चीजों को अवॉइड करना बेहतर है, उसके बजाय जो है वो दूसरी ऐसी चीजें जो मुसलमानों का शियार है उसको अपनाना चाहिए। अब ये मेरे कुछ मिसाल जी जी बिल्कुल समझ आ गए, ठीक है, जज़ाकअल्लाह सर। इन इस बात की रिकॉर्डिंग आ जाएगी पिछले साल जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अब तो यूट्यूब अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, तो कल शाम तक कोशिश करूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाए इंशाल्लाह। थैंक यू सर। मिस्टर अफसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैंने ये पूछना था राइना का, आपने बताया ये नादा की तरह इसका फेल बनेगा जी, रा जी, और युरा इसका मुजारे होगा, और जो इसका माजी है उसमें आइन पे जो है वो खड़ी जेब और उसके साथ या भी लिखने होंगे, ऐसे ही होगा इसका तरीका? ऐसे ही है जी, रा युराई, युनादी की तरह युराई और राई, मुराइन मुराअन और मुराआतन, मुराआत हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, करते हैं या नहीं करते मुराआत? जी सर करते हैं, ये कहते हैं कि जो है ये हमारे वजीरों ने इतनी सारी मुराआत ली हुई है, वो यही मुराआत होती है, रियायतें ली हुई है इतनी सारी, हमारे हुक्मरानों ने रियाया मुराआत ली हुई है, वो मुराआत यही है कि बहुत सारी रियाया रियायतें ली हुई हैं। जी सर कवल, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, हमने लास्ट क्लास में लाम पढ़ा मुख्तलिफ हालतों में सर, सूरह असर में भी हमने एक लाम पढ़ा था वो इन्नल इंसाना लफी खुसर जी, तो सर ये ताकीद का लाम है जी, ताकीद का लाम जी, तो सर अगर ये ताकीद का लाम हर्फ के साथ आए तो यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और लाम जबर के साथ आएगा, जरा ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अच्छा, लाम जो है ना वो तीन तरह से हमें नजर आएगा, दो लाम जेर के साथ आएंगे, दो लाम जेर के साथ हमें नजर आएंगे, और एक लाम का तर्जमा हम कर रहे होंगे चाहिए, जो फल या वल की सूरत में भी आता है कई दफा, और एक लाम का तर्जमा हम करते हैं ताके, ये दोनों लाम खास हैं फेल के साथ, फेल मुदारे के साथ आएंगे, ये लिया फाल या फल या फाल, उसे ये करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए, ये तर्जमा जो है वो अमर वाला तर्जमा है और ये उसको जज़्म दे रहा है, ये फेल मुदारे के साथ आ रहा है। दूसरा लाम है वो ताके वाला मना दे रहे हैं, ये भी फेल मुदारे के साथ आ रहा है, लिया फाला लिया फालू वगैरह। तीसरा लाम है जबर वाला, जो लाम ताकीद वाला है, ये लाम फेल के साथ भी आ सकता है, इस्म के साथ भी आ सकता है और हर्फ के साथ भी आ सकता है, लाम अगर जबर के साथ हो तो ये लाम फेल के साथ भी आ सकता है, इस्म के साथ भी आ सकता है, हर्फ के साथ भी आ सकता है, तो मोस्टली ये लाम जबर के साथ होगा, ठीक है,
اسم کے ساتھ اس کی مثال آج کے سبق میں ہم نے پڑھا وَلَوَنَّهُ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ, یہ جو لام ہے یہ لام تاکید والا وہی ہے. اچھا فیل کے ساتھ اس کی مثال جو ہے وہ ہم پچھلے لیسنز میں دیکھ کر آئے ہیں, جو نون شد والے کے ساتھ آ جاتا ہے, بعض اوقات بغیر نون شد والے کے بھی آ جاتا ہے اور اس وقت وہ فیل کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے, یا فعلو سے لا یا فعلو ہو جاتا ہے, صرف لام سمپل ایک تاکید آ جاتی ہے مفہوم میں. اور حرف کی مثال وہ آپ نے جو بتایا کہ ان الانسان لفی خسر ہے, تو یہ لام زبر کے ساتھ ہوتا ہے, یہ حرف کے ساتھ ہو تو بھی تاکید کا معنی دے گا, اسم کے ساتھ ہو تو بھی تاکید کا معنی دے گا, فعل کے ساتھ ہو تو بھی تاکید کا معنی دے گا, اور یہ نہ اسم میں کوئی تبدیلی کرتا ہے نہ فعل میں کوئی تبدیلی کرتا ہے نہ حرف میں کوئی تبدیلی. حرف میں تو خیر تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی, فعل یا اسم میں ہو سکتی ہے, تو اس میں بھی یہ عبارت تاکید والا لام کوئی چینج نہیں کرے گا, جبکہ باقی جو دونوں لام ہیں, لام چاہیے والا اور لام تاکے والا, وہ ایک تو صرف فعل کے ساتھ آتے ہیں فعل مضارع کے ساتھ اور اس کے آخر میں تبدیلیاں کرتے ہیں. چاہیے والا لام فعل مضارع کے آخر میں جزم لے آتے ہیں, جزم لگوا دیتا ہے, اور تاکے والا لام فعل مضارع کے آخر میں نصب لگا دیتا ہے. آئی ہوپ اب کلیئر ہو گئی یہ بات. جی سر بہت شکریہ. الحمدللہ سر, ہمارا پھر کوشچن فائیو کب شروع ہوگا؟ کیوسی فائیو کب شروع ہوگا؟ اچھا جس دن کیوسی فور کا فائنل کوئز ہو اسی دن فائنل کوئز کے فوراً بعد فائیو کی کلاس شروع کر دی جائے. میں ویسے پوچھ رہی کہ کتنی چھٹی آئے گی. نہیں چھٹی کا تو پلان نہیں ہے, ہم سوچ رہے تھے کہ فائنل کوئز کے بعد ایک ہفتے میں ہم صرف ریزلٹ اناؤنس کر دیں اور اس سے نیکسٹ ویک سے کیوسی فائیو اسٹارٹ کر لیں. اچھی بات ہے سر, میں ویسے پوچھ رہی تھی. گیپ بیچ میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ گیپ آ جائے تو پھر سستی آ جاتی ہے. اچھی بات ہے, ہم نے یہ ماشاء اللہ کسی فوٹو برابر ہی لیتے سر. یہ جو رائنا والا ہے نا, یہ تھوڑا سا پلیز مجھے دوبارہ بتائیں گے کہ یہ جو ماضی ہے یہ ری زبر الف این اور پھر جو اس کا مضارع ہے وہ کیسے لکھنا ہے؟ این یہ ای نہ نہیں, یہ ہی تو نہیں لکھنا, اسی سے تو منع کیا جا رہا تھا. اچھا سر اس کا رائی کا پورا ٹیبل ایک دفعہ بتا دیا سر, صرف زبانی جیسے رائی اس کے پورا ماضی کا پھر پورا, کیونکہ بک میں نہیں ہے, بک میں نہیں ہے, یہ یہاں پہ لکھا بھی نہیں جا رہا نا ایکچولی, ایک سیکنڈ, بک میں نہیں ہے سر اس کا ماضی یہ ہوگا رائی راؤ رائے. نہیں ایک سیکنڈ, یہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں, یہ چل گیا, یہ ہوگا را نادا کی طرح, نادا کی جمع کیا تھی؟ نادو آگے نادئی تم نہ دئی نہ یہ تھا. اب را سے بنائے اسی طرح را رائنا, ٹھیک ہو گیا, یہ ہو گیا اس کا ماضی. اچھا یونادی سے مدارے, نادا سے مدارے تھا یونادی, اور جمع کیا تھی؟ نادونا, انادی, انادی, انادونا, منادی, یہ ہو جا مدارے. اب را سے یورائی بنے گا, تو یوراعونا یہ کہاں پر آیا؟ اچھا وہ یوراعونا ہے, ٹھیک ہے, یوراعونا تراعونا
नुराई, ठीक है। और अमर बना था नादा से नादी, जमा क्या थी नादू, लातुनादी, लातुनादू, तो रा से बनेगा रा, राई, राहू, ला तुराऊ। अब ये जो आयत में आया ना राई ना, वो ये वाला है राई प्लस ना, ये वाला है राई ना, वो इसको क्या करते थे, वो इसको कहते थे राई ना, वो ये कहते थे। ये गलत है, ये लफ्ज के अतबार से वैसे ठीक है, लेकिन इसको अल्लाह ने कुरान के हुक्म से मना कर दिया कि ऐसी बात ना करो जिससे कोई तरीके शायबा हो सके। ठीक है डॉक्टर साहबा, आपने कहा था, आप मैंने सारा लिख कर बता दिया, ठीक हो गया डॉक्टर खालिदा, जज़ाकअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सिस्टर शगुफ्ता आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, ये जिस तरह से मुनादन और मुनादात था, तो इसी तरह से इसका मुराइन, मुराअन और मुराद ये होगा सर। जी ऐसे वो मुनादिन था तो ये बन जाएगा मुराइन, और मुनादन था तो ये बन जाएगा मुराअन, और मुनादात था नादातन तो ये बन जाएगा मुरातन। अच्छा, मुनादात से एक और मस्तर भी हमने पढ़ा था निदाउन, तो ये क्या बनेगा फिर रियाउन। ठीक है, लेकिन यहाँ इसका यही ज्यादा इस्तेमाल होता है मुराआत, ठीक है। तो इसके साथ हम खत्म करते हैं आज का सेशन, मजीद अगर कोई सवाल नहीं है तो ठीक है सर। से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकअल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। व अलैकुम अस्सलाम सर।